हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर फिल्म के बारे में। स्पाइडर फिल्म की बात की जाए यह 2017 की भारतीय मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे ए.आर. मुरुगदास ने लिखा है और निर्देशित किया है और एन.वी. प्रसाद ने इसका निर्माण किया है। फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें महेश बाबू, एस.जे. श्रिया और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। मुरुगदास ने फिल्म संवाद लिखे जबकि पुरुचूरी बदर्स ने तेलुगु संस्करण लिखा। फिल्म का संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है, जिसमें संतोष शिवन ने छायांकन और हरीश जयराज ने संगीत दिया है। इस फिल्म या फिल्म तमिल में ब्रह्मोत्सवम के साथ एक साथ रिलीज के असफल प्रयास के बाद बाबू की तमिल शुरुआत है। मूल रूप से फिल्म का शीर्षक अभिमन्युडु और संभावनी होने की अपवाद थी। इससे पहले या इसे 18 मार्च 2017 को आधिकारिक शीर्षक स्पाइडर के रूप में अंतिम रूप दिया गया। फिल्म का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और इसके बाद प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआती हुई। शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई, कुछ हिस्सों हैदराबाद और विजाग में और उसके आसपास हुए, जबकि गाने अगस्त 2017 में समाप्त होने से पहले विदेशों में फिल्माए गए थे। स्पाइडर को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम में 27 सितंबर 2017 को और अमेरिका और खाड़ी देशों में 26 सितंबर को रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। सिवा एक आईबी अधिकारी जो लोगों की मदद करने के लिए उनके कॉल और संदेशों पर जासूसी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करता है और 16 मार्च की रात को सिवा चार्ली की मैं अपनी सहेली के साथ यूएस स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी परीक्षा में 96% से 98% लाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है और ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। शिवा उसका पीछा करता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं, लेकिन शिवा को अपनी नौकरी की वजह से अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है, क्योंकि वह अपने घर में अकेली है और डरी हुई है, क्योंकि उसके घर में बिजली घुल गई है और जबकि उसकी गली में बाकी सभी के पास बिजली है। चिंतित होकर शिव अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को उसकी मदद के लिए लड़की के पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन समाचार की सुर्खियों में दो महिलाओं की भीषण मौत की खबर। शिवा अपराध स्थल का दौरा करता है और अपराध बोध के कारण आईबी के से इस्तीफा दे देता है, लेकिन उसके पिता उसे हत्यारे को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिवा लड़की की चेट और ठिकानों की जांच करने निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका कैफे तक पीछा करता रहा। फेसबुक के जरिए शिवा एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होता है जो पीछा करने वाले को जानता था और प्रदान की गई थी जानकारी के साथ शिवा उस गाँव की यात्रा करता है जहाँ पीछा करने वाले बड़ा हुआ था और अपनी खोज शुरू करता। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस आदमी की अतीत के बारे में पता चलता है और सुदालाई और अपनी माँ, पिता और छोटे भाई के साथ कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मृतकों के अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के कारण सुदालाई को एसपीडी से पीड़ित होना पड़ता है, जहां वह पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी देखने की असामान्य इच्छा विकसित करता है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देखता है और दूसरे गांव वालों को यह बात बताता है कि उग्र भीड़ ने सुदालाई के घर को जलाने का फैसला किया, जिससे उसके माता पिता की मौत हो गई। क्रोधित होकर सुदालाई अपने छोटे भाई के साथ अपने हत्याओं की होड़ जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। वह वर्तमान में सुदालाई को पकड़ता और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सुदालाई का भाई। सुदालाई अपने चेहरे को ढकने वाले नकाब के साथ लाइव टेलीविजन पर जाता है और खुलासा करता है कि उसने
23 लोगों को मार डाला है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है और नागरिकों को उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ने की धमकी देता है। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने सुदालाई के भाई को मार देता है, जिसमें एक क्रोधित सुदालाई भी शामिल है जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान सुदालाई शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी माँ उसे फोन करती और बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं। जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था कि अपनी टीम की मदद से शिवा अपने परिवार को बचाने में सक्षम होता है। शिवा सुदालाई का अलग लक्ष्य बन जाता है और वह घर लौटते समय शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवा एक ट्रक पर चढ़ जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सुदालाई की तलाश फिर से शुरू करता है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मार दी थी। वह अनुमान लगाता है कि सुदालाई ने खुद को एक घर में छिपा लिया जहां वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया। स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से शिवा सुदालाई को ढूंढता और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन सुदालाई उसे बताता है कि उसने पहले इस शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा बड़ी चट्टान को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि सुदालाई पुलिस की हिरासत से भाग जाता है और एक अस्पताल को नष्ट करने की अपनी योजना को जारी रखता है। शालिनी की लक्षित अस्पताल के बारे में पता चलता है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह शिवा को बताने से मना कर देती है। शिवा उसकी टैक्सी का पता लगाता है जहां वह उसके अस्पताल के बारे में बताती है। शिवा अस्पताल पहुंचता है और अंदर के लोगों को निकालना शुरू करता है, जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते कुछ मरीजों को बचाने में असमर्थ होता है और जिससे उसका दिल टूट जाता है। सुदालाई शिवा के दुख को देखता और खुश हो जाता है। शिवा सुदालाई को देखता है और वो क्रोधित हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें शिवा सुदालाई को परास्त कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद शिवा मीडिया को मानवता दिखाने के लिए महत्व के बारे में बताता है और शालिनी के साथ चला जाता है, जो शिवा के बारे में चिंतित थी। और वह मूल रूप से महेश बाबू ने तमिल में अपना सीधा डेब्यू करने की योजना बनाई थी श्री मंदोटू के डब तमिल संस्करण के बाद, जिसका शीर्षक सेल्वधन था और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। यह मानने के बाद कि स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए बिना दोनों भाषाओं में व्यावसायिक रूप से सफल होने की क्षमता थी, बाबू ने एक तेलुगु तमिल फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में योजना को छोड़ दिया गया और नवंबर 2015 में बाबू ने घोषणा की कि उनकी अगली परियोजना एआर मुरुगदास द्वारा निर्देशित एक तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी। यह बाबू की पहली प्रत्यक्ष तमिल शुरुआत, साथ ही मुरुगदास की तेलुगु सिनेमा उद्योग में वापसी, चिरंजीवी अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म स्टालिन 2006 के दशक के बाद थी और संतोष शिवन ने मुरुगदास के साथ तो पक्की 2012 में छायाकार के रूप में काम किया और हैरिस जयराज जिन्होंने मुरुगदास की पिछली फिल्मों गजनी में अरबी और थुपाकी के लिए संगीत दिया। संगीतकार के रूप में बताया गया कि बाबू फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि अन्य रिपोर्टों के दावा किया गया था कि बाबू एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का शीर्षक भी अभिमन्यु होने की अफवाह थी और हालांकि दिसंबर 2016 में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का संभावित शीर्षक सभामी घोषित किया गया, जिसे प्रशंसकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और इसे 18 मार्च 2017 को फिल्म का शीर्षक स्पाइडर बताया गया। मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू में साइन किया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत तकदूम में फाइनल होने के बाद उनकी अनुपलब्धता का मतलब था कि निर्माताओं ने प्रमुख भूमिका के लिए रुकुल प्रीत सिंह से संपर्क किया गया। एसजे सूर्या को मुख्य भूमिका में
अभिनय करने के बाद पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। नानी 2004 में उन्हें निर्देशित करने के बाद महेश बाबू के साथ उनका दूसरा सहयोग था और मुरुगदास वाली और खुशी फिल्में में एसएजे सूर्या के पूर्व सहायक थे। तमिल अभिनेता आरजे बालाजी ने शिव के दोस्त की भूमिका निभाते हुए जनवरी 2017 में फिल्म सायन की और दिसंबर 2016 जुड़वा स्टंट कोरियोग्राफर अनब रीव को अंततः एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म में शामिल किया गया। हालांकि पीटर हेन को भी फिल्म में शामिल किया गया था। आरसी कमलाकनन जिन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन 2017 के लिए दृश्य प्रभावों की देखरेख की थी और तकनीकी दल के हिस्सों के रूप में शामिल किया गया था। कमलाकनन ने दावा किया कि फिल्म में भारी दृश्य प्रभाव और एक रूसी प्रमुख स्टूडियो फिल्म पर काम कर रहा था। शुरू में नयनतारा के फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की अफवाह थी। हालांकि मुरुगदास ने इससे इनकार कर दिया और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी इसे 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई। रकुल प्रीत सिंह अगस्त 2016 में सेट पर शामिल हुई और निर्माताओं ने सिंह और बाबू के बीच रोमांटिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल चेन्नई शेड्यूल खत्म होने के बाद सितंबर 2016 के मध्य में पुणे और बेंगलुरु में हुआ और इसे 21 अक्टूबर 2016 को सिंह को एक्शन एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ में मामूली चोट लगी। हालांकि अभिनेत्री जिसे एक दिन आराम करने की सलाह दी गई थी ने तुरंत शूटिंग फिर से शुरू कर दी और तीसरा शेड्यूल नवंबर 2016 में हैदराबाद में शुरू किया गया था जिसमें 3 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ था और फिल्मांकन शूटिंग खत्म करने के बाद टीम चौथे शेड्यूल के लिए अहमदाबाद और सूरत रवाना हुई और थोड़े समय के ब्रेक के बाद निर्माताओं ने जनवरी 2017 में मुंबई में शूटिंग फिर से शुरू की जहां बाबू के परिचयात्मक दृश्यों की शूटिंग की गई और मार्च 2017 के दौरान चिरंजीवी ने फिल्म के सेट का दौरा किया। मार्च के अंत और मई की शुरुआत के बीच वियतनाम में अधिक फिल्मांकन हुआ और कुछ एक्शन दृश्यों को स्थानीय स्टंट कलाकारों के साथ वहां फिल्माया गया जैसे रोलर कोस्टर चेज। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 20 अप्रैल 2017 को हैदराबाद में होने की उम्मीद थी। हालांकि शूटिंग 4 मई 2017 को शुरू हुई और कला निर्देशक रूपिन सूचक ने एक स्रोत से खुलासा किया कि फिल्म का 98% हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया था और तेलुगु संस्करण के लिए पृष्ठभूमि को कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से हैदराबाद में बदल दिया गया था। बाबू ने बॉडी और डबल्स का उपयोग किए बिना फिल्म में स्टंट खुद किए। कुछ अधिक गहन दृश्यों में उन्होंने विभिन्न चोटों के बावजूद अपने स्टंट करना जारी रखा जिसके कारण एक फिजियोथेरेपिस्ट को उनके लिए अस्थायी रूप से सेट पर तैनात किया गया और अंततः वह शूटिंग शेड्यूल के बाद 1 सप्ताह तक उठ नहीं सके। 16 मई 2017 को एक सूत्र ने दावा किया कि निर्माताओं ने सामान्य चरमोत्कर्ष के बजाय उच्च आवर्तन एक्शन दृश्यों के साथ चरमोत्कर्ष अनुक्रम की योजना बनाई थी और जिसे मूल रूप से हैदराबाद के बीबी नगर में NEMS अस्पताल में शूट किया जाना था और फिल्मांकन 2 जून 2017 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी लेकिन अंतिम कार्यक्रम 13 जून को शुरू किया गया था और जहां मामूली संवाद भाग फिल्माए गए थे जिसकी शूटिंग केवल 4 दिनों तक चली थी। जुलाई 2017 में निर्माताओं ने हैदराबाद में 10 दिनों के लिए एक गीत अनुक्रम फिल्माया। फिल्म का आखिरी गाना 2 अगस्त विदेश में शूट किया जाना था और इसके पूरा होने के बाद मुख्य शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज होगी। उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को 10 अगस्त 2017 तक टाल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को फिर से सितंबर के मध्य और फिर दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने आखिरकार घोषणा की कि फिल्म 27 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए बड़े स्वागत के बाद स्पाइडर को तेलुगु और तमिल में एक साथ रिलीज करने की भी योजना बनाई गई थी और इसी नाम के मलयालम डब संस्करण के साथ भी
फिल्म को 19 सितंबर 2017 को सेंसर औपचारिकताओं के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था, जहां फिल्म यू प्रमाणन और 145 मिनट का रन टाइम मिला था। स्पाइडर को अमेरिका में भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म को देश में 800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार की यह बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तेलुगु के लिए सबसे बड़ी रिलीज बन गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को अरबी में डब करके रिलीज किया जाएगा और इसे खाड़ी देशों में रिलीज किया जाना था। हैनी ने फिल्म के वियतनामी डबिंग अधिकार खरीदे और इसे वियतनाम में रिलीज किया गया था। फिल्म के तमिलनाडु नेट के अधिकारों को लाइका प्रोडक्शंस ने 18 करोड़ में हासिल किया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों को प्रोडक्शन हाउस ने ही सुरक्षित कर लिया था। निजाम अधिकारों को छोड़कर जिसे दिल राजू ने 24 करोड़ में हासिल किया था। विदेशी वितरण अधिकार एटमस एंटरटेनमेंट को 22.5 करोड़ में बेचे गए और सौंपे गए अधिकार 12 करोड़ में बेचे गए और विजाग अधिकार 8.1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने पूर्व में 6 करोड़ और पश्चिम में 4.5 करोड़, कृष्णा में 5.4 करोड़, गुंटूर में 7.2 करोड़ और नेल्लोर में 3.2 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर तेलुगु राज्यों से 70.4 करोड़ फिल्म के कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स को 10.8 करोड़ में बेचे गए, केरल नाट्य के अधिकार में 1.3 करोड़ में बेचे गए और शेष भारत के अधिकार 1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने अकेले दुनिया भर में नाटक बिक्री से 124 करोड़ कमाए। तेलुगु और हिंदी संस्करणों के सैटेलाइट अधिकार जो 25 करोड़ में बेचे गए, तमिल और मलयालम संस्करण जो 6.5 करोड़ में बेचे गए और ऑडियो अधिकार जो 1.5 करोड़ में बेचे गए सहित फिल्म ने रिलीज से पहले कुल 157 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का पहला पोस्टर शुरू में 29 मार्च 2017 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अंततः इसे 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था। पोस्टर में एक बाप और फटी हुई बाबू की झलक दिखाई दी जिसके हाथ में बंदूक थी। पोस्टर को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए एक आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज और एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शुरुआत में निर्माता ने 31 मई 2017 को फिल्म की पहली झलक जारी करना चाहते थे जो महेश के पिता अभिनेता कृष्णा के जन्मदिन के साथ मेल खाता था, लेकिन अनुभवी फिल्म निर्माता दसारी नारायण राव के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए इसे 1 जून की आधी रात को टीजर लॉन्च किया गया था। 9 अगस्त 2017 को निर्माताओं ने अभिनेता के जन्मदिन के साथ फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया गया। टीजर ने रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर 8.6 मिलियन व्यूज पार कर ली और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 15 सितंबर 2017 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित प्री रिलीज इवेंट के दौरान जारी किया गया था। ट्रेलर को उत्कृष्ट समीक्षा और इसने कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए। फिल्म की रिलीज से पहले महेश बाबू ने खुलासा किया कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया रोबोट मकड़ी फिल्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। महेश ने यह घोषणा की कि वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक निराश हो और फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क और संस्करणों को सन टीवी नेटवर्क के लिए उन्हें 30.5 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में हासिल की और फिल्म का तेलुगु संस्करण जी तेलुगु में इसे 14 जनवरी 2018 को संक्रांति के साथ प्रीमियर किया गया था और इसने टीआरपी रेटिंग दर्ज की गई और इसने फिल्म के लिए और फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और इसे 17 जून 2018 को सीधे जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था। और स्पाइडर को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने कलाकारों के अभिनय के लिए और एक्शन दृश्य और निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पटकथा और गति की आलोचना की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6 आलोचकों की 0% समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.5 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि लेखन एक बिंदु के बाद स्पाइडर को पूरी तरह से निराश कर देता है और थुपक्की को एक आदमी बचाने की कोशिश करने और एक आदमी को नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में भी थी और इसके विपरीत जो अच्छाई और बुराई के बीच एक रोमांचक खेल होना चाहिए था वह एक ऐसी फिल्म में बदल जाती है जो एक धमाकेदार थ्रिलर
और कुछ एक कुछ भी हो सकने वाली मसाला फिल्म के बीच फैसला नहीं कर पाती। इंडिया टुडे के एस श्रीवत्स ने 5 में से 2 स्टार दिए और इसे संक्षेप में इस प्रकार लिया, स्पाइडर का मूल तेलुगु दर्शकों के लिए लिखा गया, लगता है उनके लिए स्पाइडर एक संतोषजनक स्टार वाहन नहीं है, या शायद स्पाइडर वाहन नहीं है जो मुरुगदास ने कागज पर कल्पना की थी, क्योंकि कुछ दृश्य कागज पर ही दिखावटी लगते और दूसरे भाग के दृश्य पर विचार करें और आप बेहतर समझेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि स्पाइडर अपनी खामियों के बावजूद एक मनोरंजक मनोरंजन के रूप में सामने आता है। फिल्म कैंपेनिन के भरद्वाज रंगन ने अपनी समीक्षा में लिखा, यह फिल्म एक बहुत ही अच्छी भगवान बनाम दानव की कहानी है जिसमें एक ठोस नायक और एक शानदार खलनायक है। NDTV के सुभाष के झा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि मुरुगदास एक परिचित बुरे आदमी एक अच्छे आदमी की कहानी लेते हैं और इसे रंगों और अनुकूलताओं में एक आकर्षक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल देते हैं और आसन मृत्यु के समय के जीवन का सुझाव देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीधर अदवी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और जिसमें कहा गया कि नायक और खलनायक के बीच संघर्ष एक सनसनीखेज या जासूसी फिल्म के लिए काफ़ी सुरक्षित कथानक लगता है। हालांकि मुरुगदास का लेखन आपको वह रोमांचक या रोमांचक नहीं दे पाता जिसका वादा प्रोमो में किया गया था। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि स्पाइडर की शुरुआती अच्छी होती है लेकिन निर्देशक की कल्पनाशीलता एक उद्देश्यपूर्ण कथानक को हर्षप्रास्त बना देती है। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर फिल्म के बारे में। स्पाइडर फिल्म की बात की जाए यह 2017 की भारतीय मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे AR मुरुगदास ने लिखा है और निर्देशित किया है और NV प्रसाद ने इसका निर्माण किया है। फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें महेश बाबू, SJ श्रिया और रकुलप्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। मुरुगदास ने फिल्म संवाद लिखे जबकि पुरुचूरी बदर्स ने तेलुगु संस्करण लिखा। फिल्म का संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है जिसमें संतोष शिवन ने छायांकन और हरीश जयराज ने संगीत दिया है। इस फिल्म या फिल्म तमिल में ब्रह्मोत्सवम के साथ एक साथ रिलीज के असफल प्रयास के बाद बाबू की तमिल शुरुआत है। मूल रूप से फिल्म का शीर्षक अभिमन्युडु और संभावनी होने की अपवाद थी। इससे पहले यह इसे 18 मार्च 2017 को आधिकारिक शीर्षक स्पाइडर के रूप में अंतिम रूप दिया गया। फिल्म का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और इसके बाद प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआती हुई। शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई, कुछ हिस्सों हैदराबाद और विजाग में और उसके आसपास हुए, जबकि गाने अगस्त 2017 में समाप्त होने से पहले विदेशों में फिल्माए गए थे। स्पाइडर को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम में 27 सितंबर 2017 को और अमेरिका और खाड़ी देशों में 26 सितंबर को रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। सिवा एक IB अधिकारी जो लोगों की मदद करने के लिए उनके कॉल और संदेशों पर जासूसी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करता है और 16 मार्च की रात को सिवा चार्ली की मैं अपनी सहेली के साथ US स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी परीक्षा में 96% से 98% लाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है और ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। शिवा उसका पीछा करता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं, लेकिन शिवा को अपनी नौकरी की वजह से अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है क्योंकि वह अपने घर में अकेली और डरी हुई है क्योंकि उसके घर में बिजली घुल गई है और जबकि उसकी गली में बाकी सभी के पास बिजली है। चिंतित होकर शिव अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को उसकी मदद के लिए लड़की के पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन समाचार की सुर्खियों में 2 महिलाओं की भीषण मौत की खबर। शिवा अपराध स्थल का दौरा करता है और अपराध
बोध के कारण आईबी के से इस्तीफा दे देता है, लेकिन उसके पिता उसे हथियारे को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिवा लड़की की चेट और ठिकानों की जांच करने निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका कैफे तक पीछा करता रहा। फेसबुक के जरिए शिवा एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होता है जो पीछा करने वाले को जानता था और प्रदान की गई थी जानकारी के साथ शिवा उस गांव की यात्रा करता है जहां पीछा करने वाले बड़ा हुआ था और अपनी खोज शुरू करता है। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस आदमी की अतीत के बारे में पता चलता है और सुदालाई और अपनी माँ पिता और छोटे भाई के साथ कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मृतकों के अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के कारण सुदालाई को एसपीडी से पीड़ित होना पड़ता है, जहां वह पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी देखने की असामान्य इच्छा विकसित करता है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देखता है और दूसरे गांव वालों को यह बात बताता है कि उग्र भीड़ ने सुदालाई के घर को जलाने का फैसला किया, जिससे उसके माता पिता की मौत हो गई। क्रोधित होकर सुदालाई अपने छोटे भाई के साथ अपनी हत्याओं की होड़ जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। वह वर्तमान में सुदालाई को पकड़ता और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सुदालाई का भाई। सुदालाई अपने चेहरे को ढकने वाले नकाब के साथ लाइव टेलीविजन पर जाता है और खुलासा करता है कि उसने 23 लोगों को मार डाला है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है और नागरिकों को उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ने की धमकी देता है। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने सुदालाई के भाई को मार देता है, जिसमें एक क्रोधित सुदालाई भी शामिल है जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान सुदालाई शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी माँ उसे फोन करती और बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं। जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था कि अपनी टीम की मदद से शिवा अपने परिवार को बचाने में सक्षम होता है। शिवा सुदालाई का अलग लक्ष्य बन जाता है और वह घर लौटते समय शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवा एक ट्रक पर चढ़ जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सुदालाई की तलाश फिर से शुरू करता है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मार दी थी। वह अनुमान लगाता है कि सुदालाई ने खुद को एक घर में छिपा लिया जहां वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया। स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से शिवा सुदालाई को ढूंढता और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन सुदालाई उसे बताता है कि उसने पहले ही शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा बड़ी चट्टान को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि सुदालाई पुलिस की हिरासत से भाग जाता है और एक अस्पताल को नष्ट करने की अपनी योजना को जारी रखता है। शालिनी की लक्षित अस्पताल के बारे में पता चलता है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह शिवा को बताने से मना कर देती है। शिवा उसकी टैक्सी का पता लगाता है, जहां वह उसके अस्पताल के बारे में बताती है। शिवा अस्पताल पहुंचता है और अंदर के लोगों को निकालना शुरू करता है, जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते कुछ मरीजों को बचाने में असमर्थ होता है और जिससे उसका दिल टूट जाता है। सुदालाई शिवा के दुख को देखता है और खुश हो जाता है। शिवा सुदालाई को देखता है और वो क्रोधित हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें शिवा सुदालाई को परास्त कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद शिवा मीडिया को मानवता दिखाने के लिए महत्व के बारे में बताता है और शालिनी के साथ चला जाता है, जो शिवा के बारे में चिंतित थी। और वह मूल रूप से महेश बाबू ने तमिल में अपना सीधा डेब्यू करने की योजना बनाई थी श्री मंदोटू के डब तमिल संस्करण के बाद, जिसका शीर्षक सेल्वधन था और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। यह मानने के बाद कि स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए बिना दोनों भाषाओं में व्यावसायिक रूप से सफल होने की क्षमता थी, बाबू ने एक तेलुगु तमिल फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में योजना को छोड़ दिया गया और नवंबर 2015 में बाबू ने घोषणा की कि उनकी अगली परियोजना ए आर मुरुगदास द्वारा निर्देशित एक तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी।
यह बाबू की पहली प्रत्यक्ष तमिल शुरुआत, साथ ही मुरुगदास की तेलुगु सिनेमा उद्योग में वापसी, चिरंजीवी अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म स्टालिन 2006 के दशक के बाद थी, और संतोष शिवन ने मुरुगदास के साथ तो पक्की 2012 में छायाकार के रूप में काम किया, और हरीश जयराज जिन्होंने मुरुगदास की पिछली फिल्में गजनी में अरबी और थुपाकी के लिए संगीत दिया। संगीतकार के रूप में बताया गया कि बाबू फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, हालांकि अन्य रिपोर्टों के दावा किया गया था कि बाबू एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का शीर्षक भी अभिमन्यु होने की अफवाह थी, और हालांकि दिसंबर 2016 में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का संभावित शीर्षक सभामी घोषित किया गया, जिसे प्रशंसकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, और इसे 18 मार्च 2017 को फिल्म का शीर्षक स्पाइडर बताया गया। मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू में साइन किया गया था, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत तकदूम में फाइनल होने के बाद उनकी अनुपलब्धता का मतलब था कि निर्माताओं ने प्रमुख भूमिका के लिए रुकुल प्रीत सिंह से संपर्क किया गया। एसजे सूर्या को मुख्य भूमिका में अभिनय करने के बाद पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। नानी 2004 में उन्हें निर्देशित करने के बाद महेश बाबू के साथ उनका दूसरा सहयोग था, और मुरुगदास वाली और खुशी फिल्में में एसजे सूर्या के पूर्व सहायक थे। तमिल अभिनेता आरजे बालाजी ने शिव के दोस्त की भूमिका निभाते हुए जनवरी 2017 में फिल्म साइन की, और दिसंबर 2016 जुड़वा स्टंट कोरियोग्राफर अनब रीव को अंततः एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म में शामिल किया गया, हालांकि पीटर हैन को भी फिल्म में शामिल किया गया था। आरसी कमलाकनन जिन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन 2017 के लिए दृश्य प्रभावों की देखरेख की थी और तकनीकी दल के हिस्सों के रूप में शामिल किया गया था। कमलाकनन ने दावा किया कि फिल्म में भारी दृश्य प्रभाव और एक रूसी प्रमुख स्टूडियो फिल्म पर काम कर रहा था। शुरू में नयनतारा के फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की अफवाह थी, हालांकि मुरुगदास ने इससे इनकार कर दिया, और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी इसे 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई। रकुल प्रीत सिंह अगस्त 2016 में सेट पर शामिल हुई, और निर्माताओं ने सिंह और बाबू के बीच रोमांटिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल चेन्नई शेड्यूल खत्म होने के बाद सितंबर 2016 के मध्य में पुणे और बेंगलुरु में हुआ, और इसे 21 अक्टूबर 2016 को सिंह को एक्शन एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ में मामूली चोट लगी। हालांकि अभिनेत्री जिसे एक दिन आराम करने की सलाह दी गई थी ने तुरंत शूटिंग फिर से शुरू कर दी, और तीसरा शेड्यूल नवंबर 2016 में हैदराबाद में शुरू किया गया था, और जिसमें 3 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ था, और फिल्मांकन शूटिंग खत्म करने के बाद टीम चौथे शेड्यूल के लिए अहमदाबाद और सूरत रवाना हुई, और थोड़े समय के ब्रेक के बाद निर्माताओं ने जनवरी 2017 में मुंबई में शूटिंग फिर से शुरू की, जहां बाबू के परिचयात्मक दृश्यों की शूटिंग की गई, और मार्च 2017 के दौरान चिरंजीवी ने फिल्म के सेट का दौरा किया। मार्च के अंत और मई की शुरुआत के बीच वियतनाम में अधिक फिल्मांकन हुआ, और कुछ एक्शन दृश्यों को स्थानीय स्टंट कलाकारों के साथ वहां फिल्माया गया, जैसे रोलर कोस्टर चेज। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 20 अप्रैल 2017 को हैदराबाद में होने की उम्मीद थी, हालांकि शूटिंग 4 मई 2017 को शुरू हुई, और कला निर्देशक रूपिन सूचक ने एक स्रोत से खुलासा किया कि फिल्म का 98% हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया था, और तेलुगु संस्करण के लिए पृष्ठभूमि को कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से हैदराबाद में बदल दिया गया था। बाबू ने बॉडी और डबल्स का उपयोग किए बिना फिल्म में स्टंट खुद किए। कुछ अधिक गहन दृश्यों में उन्होंने विभिन्न चोटों के बावजूद अपने स्टंट करना जारी रखा, जिसके कारण एक फिजियोथेरेपिस्ट को उनके लिए अस्थायी रूप से सेट पर तैनात किया गया, और अंततः वह शूटिंग शेड्यूल के बाद 1 सप्ताह तक उठ नहीं सके। 16 मई 2017 को एक सूत्र ने दावा किया कि निर्माताओं ने सामान्य चरमोत्कर्ष के बजाय उच्च आवर्तन एक्शन दृश्यों के साथ चरमोत्कर्ष अनुक्रम की योजना बनाई थी, और जिसे मूल रूप से हैदराबाद के बीबी नगर में NEMS अस्पताल में शूट किया जाना था, और फिल्मांकन 2 जून 2017 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अंतिम
कार्यक्रम 13 जून को शुरू किया गया था और जहां मामूली संवाद भाग फिल्माए गए थे, जिसकी शूटिंग केवल 4 दिनों तक चली थी। जुलाई 2017 में निर्माताओं ने हैदराबाद में 10 दिनों के लिए एक गीत अनुक्रम फिल्माया। फिल्म का आखिरी गाना 2 अगस्त विदेश में शूट किया जाना था और इसके पूरा होने के बाद मुख्य शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज होगी। उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को 10 अगस्त 2017 तक टाल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को फिर से सितंबर के मध्य और फिर दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने आखिरकार घोषणा की कि फिल्म 27 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए बड़े स्वागत के बाद स्पाइडर को तेलुगु और तमिल में एक साथ रिलीज करने की भी योजना बनाई गई थी और इसी नाम के मलयालम डब संस्करण के साथ भी फिल्म को 19 सितंबर 2017 को सेंसर औपचारिकताओं के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था, जहां फिल्म यू प्रमाणन और 145 मिनट का रन टाइम मिला था। स्पाइडर को अमेरिका में भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म को देश में 800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार की अब बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तेलुगु के लिए सबसे बड़ी रिलीज बन गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को अरबी में डब करके रिलीज किया जाएगा और इसे खाड़ी देशों में रिलीज किया जाना था। हैनू ने फिल्म के वियतनामी डबिंग अधिकार खरीदे और इसे वियतनाम में रिलीज किया गया था। फिल्म के तमिलनाडु नेट के अधिकारों को लाइका प्रोडक्शंस ने 18 करोड़ में हासिल किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों को प्रोडक्शन हाउस ने ही सुरक्षित कर लिया था निजाम अधिकारों को छोड़कर, जिसे दिल राजू ने 24 करोड़ में हासिल किया था। विदेशी वितरण अधिकार एटमस एंटरटेनमेंट को 22.5 करोड़ में बेचे गए और सौंपे गए अधिकार 12 करोड़ में बेचे गए और विजाग अधिकार 8.1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने पूर्व में 6 करोड़ और पश्चिम में 4.5 करोड़, कृष्णा में 5.4 करोड़, गुंटूर में 7.2 करोड़ और नेल्लोर में 3.2 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर तेलुगु राज्यों से 70.4 करोड़। फिल्म के कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स को 10.8 करोड़ में बेचे गए, केरल नाट्य अधिकार में 1.3 करोड़ में बेचे गए और शेष भारत के अधिकार 1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने अकेले दुनिया भर में नाटक की बिक्री से 124 करोड़ कमाए। तेलुगु और हिंदी संस्करणों के सैटेलाइट अधिकार जो 25 करोड़ में बेचे गए, तमिल और मलयालम संस्करण जो 6.5 करोड़ में बेचे गए और ऑडियो अधिकार जो 1.5 करोड़ में बेचे गए सहित फिल्म ने रिलीज से पहले कुल 157 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का पहला पोस्टर शुरू में 29 मार्च 2017 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अंततः इसे 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था। पोस्टर में एक बाप और फटी हुई बाबू की झलक दिखाई दी, जिसके हाथ में बंदूक थी। पोस्टर को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए एक आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज और एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शुरुआत में निर्माता ने 31 मई 2017 को फिल्म की पहली झलक जारी करना चाहते थे, जो महेश के पिता अभिनेता कृष्णा के जन्मदिन के साथ मेल खाता था, लेकिन अनुभवी फिल्म निर्माता दसारी नारायण राव के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए इसे 1 जून की आधी रात को टीजर लॉन्च किया गया था और 9 अगस्त 2017 को निर्माताओं ने अभिनेता के जन्मदिन के साथ फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया गया। टीजर ने रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर 8.6 मिलियन व्यूज पार कर ली और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 15 सितंबर 2017 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित प्री रिलीज इवेंट के दौरान जारी किया गया था। ट्रेलर को उत्कृष्ट समीक्षा और इसने कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए। फिल्म की रिलीज से पहले महेश बाबू ने खुलासा किया कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया रोबोट मकड़ी फिल्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। महेश ने यह घोषणा की कि वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक निराश हो और फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क और संस्करणों को सन टीवी नेटवर्क के लिए उन्हें
30.5 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में हासिल की और फिल्म का तेलुगु संस्करण जी तेलुगु में इसे 14 जनवरी 2018 को संक्रांति के साथ प्रीमियर किया गया था और इसने टीआरपी रेटिंग दर्ज की गई और इसने फिल्म के लिए और फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और इसे 17 जून 2018 को सीधे जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था और स्पाइडर को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने कलाकारों के अभिनय के लिए और एक्शन दृश्य और निर्देशन की प्रशंसा की लेकिन इसकी पटकथा और गति की आलोचना की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6 आलोचकों की 0% समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.5 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि लेखन एक बिंदु के बाद स्पाइडर को पूरी तरह से निराश कर देता और थुपक्की को एक आदमी बचाने की कोशिश करने और एक आदमी को नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में भी थी और इसके विपरीत जो अच्छाई और बुराई के बीच एक रोमांचक खेल होना चाहिए था वह एक ऐसी फिल्म में बदल जाती है जो एक धमाकेदार थ्रिलर और कुछ भी हो सकने वाली मसाला फिल्म के बीच फैसला नहीं कर पाती। इंडिया टुडे के एस श्रीवत्स ने 5 में से 2 स्टार दिए और इसे संक्षेप में इस प्रकार लिया। स्पाइडर का मूल तेलुगु दर्शकों के लिए लिखा गया लगता है उनके लिए स्पाइडर एक संतोषजनक स्टार वहाँ नहीं है या शायद स्पाइडर वहाँ नहीं है जो मुरुगदास ने कागज पर कल्पना की थी क्योंकि कुछ दृश्य कागज पर ही दिखावटी लगते और दूसरे भाग के दृश्य पर विचार करें और आप बेहतर समझेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि स्पाइडर अपनी खामियों के बावजूद एक मनोरंजन के रूप में सामने आता है। फिल्म कैंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने अपनी समीक्षा में लिखा यह फिल्म एक बहुत ही अच्छी भगवान बनाम दानव की कहानी है जिसमें एक ठोस नायक और एक शानदार खलनायक है। NDTV के सुभाष के झा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि मुरुगदास एक परिचित बुरे आदमी एक अच्छे आदमी की कहानी लेते हैं और इसे रंगों और अनुकूलताओं में एक आकर्षक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल देते हैं और आसन्न मृत्यु के समय के जीवन का सुझाव देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीधर आदिवी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और जिसमें कहा गया कि नायक और खलनायक के बीच संघर्ष एक सनसनीखेज या जासूसी फिल्म के लिए काफ़ी सुरक्षित कथानक लगता है। हालांकि मुरुगदास का लेखन आपको वह रोमांचक या रोमांचक नहीं दे पाता जिसका वादा प्रोमो में किया गया था। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि स्पाइडर की शुरुआती अच्छी होती है लेकिन निर्देशक की कल्पनाशीलता एक उद्देश्यपूर्ण कथानक को हर्षप्रास्त बना देती और हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर फिल्म के बारे में। स्पाइडर फिल्म की बात की जाए यह 2017 की भारतीय मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे AR मुरुगदास ने लिखा और निर्देशित किया है और NV प्रसाद ने इसका निर्माण किया है। फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें महेश बाबू SJ श्रिया और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। मुरुगदास ने फिल्म संवाद लिखे जबकि पुरुचूरी बदर्स ने तेलुगु संस्करण लिखा। फिल्म का संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है जिसमें संतोष शिवन ने छायांकन और हरीश जयराज ने संगीत दिया है। इस फिल्म या फिल्म तमिल में ब्रह्मोत्सवम के साथ एक साथ रिलीज के असफल प्रयास के बाद बाबू की तमिल शुरुआत है। मूल रूप से फिल्म का शीर्षक अभिमन्युडू और संभवमी होने की अपवाद थी। इससे पहले यह इसे 18 मार्च 2017 को आधिकारिक शीर्षक स्पाइडर के रूप में अंतिम रूप दिया गया। फिल्म का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और इसके बाद प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआती हुई। शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई, कुछ हिस्सों हैदराबाद और विजाग में और उसके आसपास हुए जबकि गाने अगस्त 2017 में समाप्त होने से पहले विदेशों में फिल्माए गए थे। स्पाइडर को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम में 27 सितंबर 2017 को और
अमेरिका और खाड़ी देशों में 26 सितंबर को रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। शिवा एक आईबी अधिकारी जो लोगों की मदद करने के लिए उनके कॉल और संदेशों पर जासूसी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करता है। और 16 मार्च की रात को शिवा चार्ली की मैं अपनी सहेली के साथ यूएस स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी परीक्षा में 96% से 98% लाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है। और ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। शिवा उसका पीछा करता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ने लगते हैं। लेकिन शिवा को अपनी नौकरी की वजह से अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है, क्योंकि वह अपने घर में अकेली और डरी हुई है, क्योंकि उसके घर में बिजली घुल गई है और जबकि उसकी गली में बाकी सभी के पास बिजली है। चिंतित होकर शिव अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को उसकी मदद के लिए लड़की के पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन समाचार की सुर्खियों में दो महिलाओं की भीषण मौत की खबर। शिवा अपराध स्थल का दौरा करता है और अपराध बोध के कारण आईबी के से इस्तीफा दे देता है, लेकिन उसके पिता उसे हत्यारे को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिवा लड़की की चेट और ठिकानों की जांच करने निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका कैफे तक पीछा करता रहा। फेसबुक के जरिए शिवा एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होता है जो पीछा करने वाले को जानता था और प्रदान की गई थी जानकारी के साथ। शिवा उस गाँव की यात्रा करता है जहाँ पीछा करने वाले बड़ा हुआ था और अपनी खोज शुरू करता। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस आदमी की अतीत के बारे में पता चलता है और सुदालाई और अपनी माँ पिता और छोटे भाई के साथ कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मृतकों के अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के कारण सुदालाई को एसपीडी से पीड़ित होना पड़ता है, जहां वह पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी देखने की असामान्य इच्छा विकसित करता है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देखता है और दूसरे गांव वालों को यह बात बताता है कि उग्र भीड़ ने सुदालाई के घर को जलाने का फैसला किया, जिससे उसके माता पिता की मौत हो गई। क्रोधित होकर सुदालाई अपने छोटे भाई के साथ अपने हत्याओं की होड़ जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। वह वर्तमान में सुदालाई को पकड़ता और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सुदालाई का भाई। सुदालाई अपने चेहरे को ढकने वाले नकाब के साथ लाइव टेलीविजन पर जाता है और खुलासा करता है कि उसने 23 लोगों को मार डाला है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है और नागरिकों को उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ने की धमकी देता है। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने सुदालाई के भाई को मार देता है, जिसमें एक क्रोधित सुदालाई भी शामिल है जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान सुदालाई शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी माँ उसे फोन करती और बताती है कि वह डरी हुई है, क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं। जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था कि अपनी टीम की मदद से शिवा अपने परिवार को बचाने में सक्षम होता है। शिवा सुदालाई का अलग लक्ष्य बन जाता है और वह घर लौटते समय शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवा एक ट्रक पर चढ़ जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सुदालाई की तलाश फिर से शुरू करता है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मार दी थी। वह अनुमान लगाता है कि सुदालाई ने खुद को एक घर में छिपा लिया जहां वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया। स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से शिवा सुदालाई को ढूंढता और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन सुदालाई उसे बताता है कि उसने पहले इस शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा बड़ी चट्टान को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि सुदालाई पुलिस की हिरासत से भाग जाता है और एक अस्पताल को नष्ट करने की अपनी योजना को जारी रखता है।
शालिनी की लक्षित अस्पताल के बारे में पता चलता है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह शिवा को बताने से मना कर देती है। शिवा उसकी टैक्सी का पता लगाता है, जहां वह उसके अस्पताल के बारे में बताती है। शिवा अस्पताल पहुंचता है और अंदर के लोगों को निकालना शुरू करता है, जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते कुछ मरीजों को बचाने में असमर्थ होता है और जिससे उसका दिल टूट जाता है। सुदलाई शिवा के दुख को देखता और खुश हो जाता है। शिवा सुदलाई को देखता है और वो क्रोधित हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें शिवा सुदलाई को परास्त कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद शिवा मीडिया को मानवता दिखाने के लिए महत्व के बारे में बताता है और शालिनी के साथ चला जाता है, जो शिवा के बारे में चिंतित थी। और वह मूल रूप से महेश बाबू ने तमिल में अपना सीधा डेब्यू करने की योजना बनाई थी श्री मंदोटू के डब तमिल संस्करण के बाद, जिसका शीर्षक सेल्वधन था और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। यह मानने के बाद कि स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए बिना दोनों भाषाओं में व्यावसायिक रूप से सफल होने की क्षमता थी, बाबू ने एक तेलुगु तमिल फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में योजना को छोड़ दिया गया और नवंबर 2015 में बाबू ने घोषणा की कि उनकी अगली परियोजना एआर मुरुगदास द्वारा निर्देशित एक तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी। यह बाबू की पहली प्रत्यक्ष तमिल शुरुआत, साथ ही मुरुगदास की तेलुगु सिनेमा उद्योग में वापसी, चिरंजीवी अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म स्टालिन 2006 के दशक के बाद थी। और संतोष शिवन ने मुरुगदास के साथ तो पक्की 2012 में छायाकार के रूप में काम किया, और हैरिस जयराज जिन्होंने मुरुगदास की पिछली फिल्मों गजनी में अरबी और थुपाकी के लिए संगीत दिया। संगीतकार के रूप में बताया गया कि बाबू फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि अन्य रिपोर्टों के दावा किया गया था कि बाबू एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का शीर्षक भी अभिमन्यु होने की अफवाह थी। और हालांकि दिसंबर 2016 में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का संभावित शीर्षक सभामी घोषित किया गया, जिसे प्रशंसकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और इसे 18 मार्च 2017 को फिल्म का शीर्षक स्पाइडर बताया गया। मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू में साइन किया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत तकदूम में फाइनल होने के बाद उनकी अनुपलब्धता का मतलब था कि निर्माताओं ने प्रमुख भूमिका के लिए रुकुल प्रीत सिंह से संपर्क किया गया। एसजे सूर्या को मुख्य भूमिका में अभिनय करने के बाद पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। नानी 2004 में उन्हें निर्देशित करने के बाद महेश बाबू के साथ उनका दूसरा सहयोग था, और मुरुगदास वाली और खुशी फिल्में में एसजे सूर्या के पूर्व सहायक थे। तमिल अभिनेता आरजे बालाजी ने शिव के दोस्त की भूमिका निभाते हुए जनवरी 2017 में फिल्म सायन की, और दिसंबर 2016 जुड़वा स्टंट कोरियोग्राफर अनब रीव को अंततः एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म में शामिल किया गया। हालांकि पीटर हैन को भी फिल्म में शामिल किया गया था। आरसी कमलाकनन, जिन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन 2017 के लिए दृश्य प्रभावों की देखरेख की थी और तकनीकी दल के हिस्सों के रूप में शामिल किया गया था। कमलाकनन ने दावा किया कि फिल्म में भारी दृश्य प्रभाव और एक रूसी प्रमुख स्टूडियो फिल्म पर काम कर रहा था। शुरू में नयनतारा के फिल्म एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की अफवाह थी। हालांकि मुरुगदास ने इससे इनकार कर दिया और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी इसे 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई। रकुल प्रीत सिंह अगस्त 2016 में सेट पर शामिल हुई और निर्माताओं ने सिंह और बाबू के बीच रोमांटिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल चेन्नई शेड्यूल खत्म होने के बाद सितंबर 2016 के मध्य में पुणे और बेंगलुरु में हुआ, और इसे 21 अक्टूबर 2016 को सिंह को एक्शन एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ में मामूली चोट लगी। हालांकि अभिनेत्री, जिसे एक दिन आराम करने की सलाह दी गई थी, ने तुरंत शूटिंग फिर से शुरू कर दी, और तीसरा शेड्यूल नवंबर 2016 में हैदराबाद में शुरू किया गया था, जिसमें 3 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ था। और फिल्मांकन शूटिंग खत्म करने के बाद टीम चौथे शेड्यूल के लिए अहमदाबाद और सूरत रवाना हुई, और थोड़े समय के ब्रेक
के बाद निर्माताओं ने जनवरी 2017 में मुंबई में शूटिंग फिर से शुरू की, जहां बाबू के परिचयात्मक दृश्यों की शूटिंग की गई और मार्च 2017 के दौरान चिरंजीवी ने फिल्म के सेट का दौरा किया। मार्च के अंत और मई की शुरुआत के बीच वियतनाम में अधिक फिल्मांकन हुआ और कुछ एक्शन दृश्यों को स्थानीय स्टंट कलाकारों के साथ वहां फिल्माया गया। जैसे रोलर कोस्टर चीज फिल्म का अंतिम शेड्यूल 20 अप्रैल 2017 को हैदराबाद में होने की उम्मीद थी, हालांकि शूटिंग 4 मई 2017 को शुरू हुई और कला निर्देशक रूपिन सूचक ने एक स्रोत से खुलासा किया कि फिल्म का 98% हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया था और तेलुगु संस्करण के लिए पृष्ठभूमि को कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से हैदराबाद में बदल दिया गया था। बाबू ने बॉडी और डबल्स का उपयोग किए बिना फिल्म में स्टंट खुद किए। कुछ अधिक गहन दृश्यों में उन्होंने विभिन्न चोटों के बावजूद अपने स्टंट करना जारी रखा, जिसके कारण एक फिजियोथेरेपिस्ट को उनके लिए अस्थायी रूप से सेट पर तैनात किया गया और अंततः वह शूटिंग शेड्यूल के बाद एक सप्ताह तक उठ नहीं सके। 16 मई 2017 को एक सूत्र ने दावा किया कि निर्माताओं ने सामान्य चरमोत्कर्ष के बजाय उच्च आवर्तन एक्शन दृश्यों के साथ चरमोत्कर्ष अनुक्रम की योजना बनाई थी और जिसे मूल रूप से हैदराबाद के बीबी नगर में NEMS अस्पताल में शूट किया जाना था और फिल्मांकन 2 जून 2017 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अंतिम कार्यक्रम 13 जून को शुरू किया गया था और जहां मामूली संवाद भाग फिल्माए गए थे, जिसकी शूटिंग केवल 4 दिनों तक चली थी। जुलाई 2017 में निर्माताओं ने हैदराबाद में 10 दिनों के लिए एक गीत अनुक्रम फिल्माया। फिल्म का आखिरी गाना 2 अगस्त विदेश में शूट किया जाना था और इसके पूरा होने के बाद मुख्य शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज होगी। उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को 10 अगस्त 2017 तक टाल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को फिर से सितंबर के मध्य और फिर दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने आखिरकार घोषणा की कि फिल्म 27 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए बड़े स्वागत के बाद स्पाइडर को तेलुगु और तमिल में एक साथ रिलीज करने की भी योजना बनाई गई थी और इसी नाम के मलयालम डब संस्करण के साथ भी फिल्म को 19 सितंबर 2017 को सेंसर औपचारिकताओं के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था, जहां फिल्म यू प्रमाणन और 145 मिनट का रन टाइम मिला था। स्पाइडर को अमेरिका में भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म को देश में 800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार की यह बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तेलुगु के लिए सबसे बड़ी रिलीज बन गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को अरबी में डब करके रिलीज किया जाएगा और इसे खाड़ी देशों में रिलीज किया जाना था। हैनू ने फिल्म के वियतनामी डबिंग अधिकार खरीदे और इसे वियतनाम में रिलीज किया गया था। फिल्म के तमिलनाडु नेट के अधिकारों को लाइका प्रोडक्शंस ने 18 करोड़ में हासिल किया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों को प्रोडक्शन हाउस ने ही सुरक्षित कर लिया था, निजाम अधिकारों को छोड़कर, जिसे दिल राजू ने 24 करोड़ में हासिल किया था। विदेशी वितरण अधिकार एटमस एंटरटेनमेंट को 22.5 करोड़ में बेचे गए और सौंपे गए अधिकार 12 करोड़ में बेचे गए और विजाग अधिकार 8.1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने पूर्व में 6 करोड़ और पश्चिम में 4.5 करोड़, कृष्णा में 5.4 करोड़, गुंटूर में 7.2 करोड़ और नेल्लोर में 3.2 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर तेलुगु राज्यों से 70.4 करोड़ फिल्म के कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स को 10.8 करोड़ में बेचे गए, केरल नाट्य अधिकार में 1.3 करोड़ में बेचे गए और शेष भारत के अधिकार 1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने अकेले दुनिया भर में नाटक बिक्री से 124 करोड़ कमाए। तेलुगु और हिंदी संस्करणों के सैटेलाइट अधिकार जो 25 करोड़ में बेचे गए, तमिल और मलयालम संस्करण जो 6.5 करोड़ में बेचे गए और
ऑडियो अधिकार जो 1.5 करोड़ में बेची गई। सईद फिल्म ने रिलीज से पहले कुल 197 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का पहला पोस्टर शुरू में 29 मार्च 2017 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अंततः इसे 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था। पोस्टर में एक बाप और फटी हुई बाबू की झलक दिखाई दी जिसके हाथ में बंदूक थी। पोस्टर को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए एक आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज और एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शुरुआत में निर्माता ने 31 मई 2017 को फिल्म की पहली झलक जारी करना चाहती थी जो महेश के पिता अभिनेता कृष्णा के जन्मदिन के साथ मेल खाता था, लेकिन अनुभवी फिल्म निर्माता दसारी नारायण राव के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए इसे 1 जून की आधी रात को टीजर लॉन्च किया गया था। 9 अगस्त 2017 को निर्माताओं ने अभिनेता के जन्मदिन के साथ फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया गया। टीजर ने रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर 8.6 मिलियन व्यूज पार कर ली और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 15 सितंबर 2017 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित प्री रिलीज इवेंट के दौरान जारी किया गया था। ट्रेलर को उत्कृष्ट समीक्षा और इसने कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए। फिल्म की रिलीज से पहले महेश बाबू ने खुलासा किया कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया रोबोट मकड़ी फिल्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। महेश ने यह घोषणा की कि वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक निराश हो और फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क और संस्करणों को सन टीवी नेटवर्क नेटवर्क के लिए उन्हें 30.5 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में हासिल की और फिल्म का तेलुगु संस्करण जी तेलुगु में इसे 14 जनवरी 2018 को संक्रांति के साथ प्रीमियर किया गया था और इसने टीआरपी रेटिंग दर्ज की गई और इसने फिल्म के लिए और फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और इसे 17 जून 2018 को सीधे जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था। और स्पाइडर को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने कलाकारों के अभिनय के लिए और एक्शन दृश्य और निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पटकथा और गति की आलोचना की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6 आलोचकों की 0% समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.5 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि लेखन एक बिंदु के बाद स्पाइडर को पूरी तरह से निराश कर देता है और थुपक्की को एक आदमी बचाने की कोशिश करने और एक आदमी को नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में भी थी और इसके विपरीत जो अच्छाई और बुराई के बीच एक रोमांचक खेल होना चाहिए था वह एक ऐसी फिल्म में बदल जाती है जो एक धमाकेदार थ्रिलर और कुछ भी हो सकने वाली मसाला फिल्म के बीच फैसला नहीं कर पाती। इंडिया टुडे के एस श्रीवत्स ने 5 में से 2 स्टार दिए और इसे संक्षेप में इस प्रकार लिया। स्पाइडर का मूल तेलुगु दर्शकों के लिए लिखा गया, लगता है उनके लिए स्पाइडर एक संतोषजनक स्टार वाहन नहीं है या शायद स्पाइडर वह नहीं है जो मुरुगदास ने कागज पर कल्पना की थी क्योंकि कुछ दृश्य कागज पर ही दिखावटी लगते और दूसरे भाग के दृश्य पर विचार करें और आप बेहतर समझेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि स्पाइडर अपनी खामियों के बावजूद एक मनोरंजन के रूप में सामने आता है। फिल्म कैंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने अपनी समीक्षा में लिखा, यह फिल्म एक बहुत ही अच्छी भगवान बनाम दानव की कहानी है जिसमें एक ठोस नायक और एक शानदार खलनायक है। NDTV के सुभाष के झा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि मुरुगदास एक परिचित बुरे आदमी एक अच्छे आदमी की कहानी लेते हैं और इसे रंगों और अनुकूलताओं में एक आकर्षक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल देते हैं और आसन्न मृत्यु के समय के जीवन का सुझाव देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीधर आदिवी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और जिसमें कहा गया कि नायक और खलनायक के बीच संघर्ष एक सनसनीखेज या जासूसी फिल्म के लिए काफ़ी सुरक्षित कथानक लगता है। हालांकि मुरुगदास का लेखन आपको वह रोमांचक या रोमांचक नहीं दे पाता जिसका वादा प्रोमो में किया गया था। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि स्पाइडर की शुरुआती अच्छी होती है लेकिन निर्देशक की कल्पनाशीलता एक उद्देश्यपूर्ण कथानक को हर्षप्रास्त बना देती है और
हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर फिल्म के बारे में। स्पाइडर फिल्म की बात की जाए यह 2017 की भारतीय मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे ए.आर. मुरुगदास ने लिखा है और निर्देशित किया है और एन.वी. प्रसाद ने इसका निर्माण किया है। फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें महेश बाबू, एस.जे. सूर्या और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। मुरुगदास ने फिल्म संवाद लिखे जबकि पुरुचूरी बदर्स ने तेलुगु संस्करण लिखा। फिल्म का संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है जिसमें संतोष शिवन ने छायांकन और हरीश जयराज ने संगीत दिया है। यह फिल्म तमिल में ब्रह्मोत्सवम के साथ एक साथ रिलीज के असफल प्रयास के बाद बाबू की तमिल शुरुआत है। मूल रूप से फिल्म का शीर्षक अभिमन्युडु और संभावनी होने के अपवाद थी। इससे पहले यह इसे 18 मार्च 2017 को आधिकारिक शीर्षक स्पाइडर के रूप में अंतिम रूप दिया गया। फिल्म का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और इसके बाद प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआती हुई। शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई, कुछ हिस्सों हैदराबाद और विजाग में और उसके आसपास हुए, जबकि गाने अगस्त 2017 में समाप्त होने से पहले विदेशों में फिल्माए गए थे। स्पाइडर को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम में 27 सितंबर 2017 को और अमेरिका और खाड़ी देशों में 26 सितंबर को रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। सिवा एक आईबी अधिकारी जो लोगों की मदद करने के लिए उनके कॉल और संदेशों पर जासूसी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करता है और 16 मार्च की रात को सिवा चार्ली की मैं अपनी सहेली के साथ यूएस स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी परीक्षा में 96% से 98% लाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है और ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है। यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, शिवा उसका पीछा करता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। लेकिन शिवा को अपनी नौकरी की वजह से अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है क्योंकि वह अपने घर में अकेली और डरी हुई है क्योंकि उसके घर में बिजली घुल गई है और जबकि उसकी गली में बाकी सभी के पास बिजली है। चिंतित होकर शिव अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को उसकी मदद के लिए लड़की के पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन समाचार की सुर्खियों में दो महिलाओं की भीषण मौत की खबर। शिवा अपराध स्थल का दौरा करता है और अपराध बोध के कारण आईबी के से इस्तीफा दे देता है, लेकिन उसके पिता उसे हत्यारे को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिवा लड़की की चेट और ठिकानों की जांच करने निकलता है जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका कैफे तक पीछा करता रहा। फेसबुक के जरिए शिवा एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होता है जो पीछा करने वाले को जानता था और प्रदान की गई थी जानकारी के साथ शिवा उस गांव की यात्रा करता है जहां पीछा करने वाले बड़ा हुआ था और अपनी खोज शुरू करता है। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस आदमी की अतीत के बारे में पता चलता है और सुदालाई और अपनी माँ, पिता और छोटे भाई के साथ कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मृतकों के अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के कारण सुदालाई को एसपीडी से पीड़ित होना पड़ता है जहां वह पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी देखने की असामान्य इच्छा विकसित करता है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देखता है और दूसरे गांव वालों को यह बात बताता है कि उग्र भीड़ ने सुदालाई के घर को जलाने का फैसला किया जिससे उसके माता पिता की मौत हो गई। क्रोधित होकर सुदालाई अपने छोटे भाई के साथ अपने हत्याओं की होड़ जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। वह वर्तमान में सुदालाई को पकड़ता और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सुदालाई का भाई। सुदालाई अपने चेहरे को ढकने वाले नकाब के साथ लाइव टेलीविजन पर जाता है और खुलासा करता है कि उसने
23 लोगों को मार डाला है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है और नागरिकों को उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ने की धमकी देता है। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने सुदालाई के भाई को मार देता है, जिसमें एक क्रोधित सुदालाई भी शामिल है जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान सुदालाई शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी माँ उसे फोन करती और बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं। जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था कि अपनी टीम की मदद से शिवा अपने परिवार को बचाने में सक्षम होता है। शिवा सुदालाई का अलग लक्ष्य बन जाता है और वह घर लौटते समय शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवा एक ट्रक पर चढ़ जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सुदालाई की तलाश फिर से शुरू करता है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मार दी थी। वह अनुमान लगाता है कि सुदालाई ने खुद को एक घर में छिपा लिया जहां वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया। स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से शिवा सुदालाई को ढूंढता और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन सुदालाई उसे बताता है कि उसने पहले ही शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा बड़ी चट्टान को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि सुदालाई पुलिस की हिरासत से भाग जाता है और एक अस्पताल को नष्ट करने की अपनी योजना को जारी रखता है। सालनी की लक्षित अस्पताल के बारे में पता चलता है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह शिवा को बताने से मना कर देती है। शिवा उसकी टैक्सी का पता लगाता है जहां वह उसके अस्पताल के बारे में बताती है। शिवा अस्पताल पहुंचता है और अंदर के लोगों को निकालना शुरू करता है, जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते कुछ मरीजों को बचाने में असमर्थ होता है और जिससे उसका दिल टूट जाता है। सुदालाई शिवा के दुख को देखता है और खुश हो जाता है। शिवा सुदालाई को देखता है और वो क्रोधित हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें शिवा सुदालाई को परास्त कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद शिवा मीडिया को मानवता दिखाने के लिए महत्व के बारे में बताता है और शालिनी के साथ चला जाता है, जो शिवा के बारे में चिंतित थी। और वह मूल रूप से महेश बाबू ने तमिल में अपना सीधा डेब्यू करने की योजना बनाई थी श्री मंदोटू के डब तमिल संस्करण के बाद, जिसका शीर्षक सेल्वधन था और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। यह मानने के बाद कि स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए बिना दोनों भाषाओं में व्यावसायिक रूप से सफल होने की क्षमता थी, बाबू ने एक तेलुगु तमिल फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में योजना को छोड़ दिया गया और नवंबर 2015 में बाबू ने घोषणा की कि उनकी अगली परियोजना एआर मुरुगदास द्वारा निर्देशित एक तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी। यह बाबू की पहली प्रत्यक्ष तमिल शुरुआत, साथ ही मुरुगदास की तेलुगु सिनेमा उद्योग में वापसी, चिरंजीवी अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म स्टालिन 2006 के दशक के बाद थी और संतोष शिवन ने मुरुगदास के साथ तो पक्की 2012 में छायाकार के रूप में काम किया और हैरिस जयराज जिन्होंने मुरुगदास की पिछली फिल्मों गजनी में अरबी और थुपाकी के लिए संगीत दिया। संगीतकार के रूप में बताया गया कि बाबू फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि अन्य रिपोर्टों के दावा किया गया था कि बाबू एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का शीर्षक भी अभिमन्यु होने की अफवाह थी और हालांकि दिसंबर 2016 में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का संभावित शीर्षक सभामी घोषित किया गया, जिसे प्रशंसकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और इसे 18 मार्च 2017 को फिल्म का शीर्षक स्पाइडर बताया गया। मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू में साइन किया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत तकदूम में फाइनल होने के बाद उनकी अनुपलब्धता का मतलब था कि निर्माताओं ने प्रमुख भूमिका के लिए रुकुल प्रीत सिंह से संपर्क किया गया। एसजे सूर्या को मुख्य भूमिका में अभिनय करने के बाद पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। नानी 2004 में उन्हें निर्देशित करने के बाद महेश बाबू के साथ उनका दूसरा सहयोग था और
मुरुगदास वाली और खुशी फिल्में में एस जे सूर्या के पूर्व सहायक थे। तमिल अभिनेता आर जे बालाजी ने शिव की दोस्त की भूमिका निभाते हुए जनवरी 2017 में फिल्म सायन की और दिसंबर 2016 जुड़वा स्टंट कोरियोग्राफर अनब रीव को अंततः एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म में शामिल किया गया। हालांकि पीटर हेन को भी फिल्म में शामिल किया गया था। आरसी कमलाकनन जिन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन 2017 के लिए दृश्य प्रभावों की देखरेख की थी और तकनीकी दल के हिस्सों के रूप में शामिल किया गया था। कमलाकनन ने दावा किया कि फिल्म में भारी दृश्य प्रभाव और एक रूसी प्रमुख स्टूडियो फिल्म पर काम कर रहा था। शुरू में नयनतारा के फिल्म एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपवाद थी। हालांकि मुरुगदास ने इससे इनकार कर दिया और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी इसे 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई। रकुल प्रीत सिंह अगस्त 2016 में सेट पर शामिल हुई और निर्माताओं ने सिंह और बाबू के बीच रोमांटिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल चेन्नई शेड्यूल खत्म होने के बाद सितंबर 2016 के मध्य में पुणे और बेंगलुरु में हुआ और इसे 21 अक्टूबर 2016 को सिंह को एक्शन एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ में मामूली चोट लगी। हालांकि अभिनेत्री जिसे एक दिन आराम करने की सलाह दी गई थी ने तुरंत शूटिंग फिर से शुरू कर दी और तीसरा शेड्यूल नवंबर 2016 में हैदराबाद में शुरू किया गया था जिसमें 3 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ था और फिल्मांकन शूटिंग खत्म करने के बाद टीम चौथे शेड्यूल के लिए अहमदाबाद और सूरत रवाना हुई और थोड़े समय के ब्रेक के बाद निर्माताओं ने जनवरी 2017 में मुंबई में शूटिंग फिर से शुरू की जहां बाबू के परिचयात्मक दृश्यों की शूटिंग की गई और मार्च 2017 के दौरान चिरंजीवी ने फिल्म के सेट का दौरा किया। मार्च के अंत और मई की शुरुआत के बीच वियतनाम में अधिक फिल्मांकन हुआ और कुछ एक्शन दृश्यों को स्थानीय स्टंट कलाकारों के साथ वहां फिल्माया गया जैसे रोलर कोस्टर चेज। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 20 अप्रैल 2017 को हैदराबाद में होने की उम्मीद थी। हालांकि शूटिंग 4 मई 2017 को शुरू हुई और कला निर्देशक रूपिन सूचक ने एक स्रोत से खुलासा किया कि फिल्म का 98% हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया था और तेलुगु संस्करण के लिए पृष्ठभूमि को कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से हैदराबाद में बदल दिया गया था। बाबू ने बॉडी और डबल्स का उपयोग किए बिना फिल्म में स्टंट खुद किए। कुछ अधिक गहन दृश्यों में उन्होंने विभिन्न चोटों के बावजूद अपने स्टंट करना जारी रखा जिसके कारण एक फिजियोथेरेपिस्ट को उनके लिए अस्थायी रूप से सेट पर तैनात किया गया और अंततः वह शूटिंग शेड्यूल के बाद एक सप्ताह तक उठ नहीं सके। 16 मई 2017 को एक सूत्र ने दावा किया कि निर्माताओं ने सामान्य चरमोत्कर्ष के बजाय उच्च आवर्तन एक्शन दृश्यों के साथ चरमोत्कर्ष अनुक्रम की योजना बनाई थी और जिसे मूल रूप से हैदराबाद के बीबी नगर में NEMS अस्पताल में शूट किया जाना था और फिल्मांकन 2 जून 2017 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी लेकिन अंतिम कार्यक्रम 13 जून को शुरू किया गया था और जहां मामूली संवाद भाग फिल्माए गए थे जिसकी शूटिंग केवल 4 दिनों तक चली थी। जुलाई 2017 में निर्माताओं ने हैदराबाद में 10 दिनों के लिए एक गीत अनुक्रम फिल्माया। फिल्म का आखिरी गाना 2 अगस्त विदेश में शूट किया जाना था और इसके पूरा होने के बाद मुख्य शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज होगी। उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को 10 अगस्त 2017 तक टाल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को फिर से सितंबर के मध्य और फिर दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने आखिरकार घोषणा की कि फिल्म 27 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए बड़े स्वागत के बाद स्पाइडर को तेलुगु और तमिल में एक साथ रिलीज करने की भी योजना बनाई गई थी और इसी नाम के मलयालम डब संस्करण के साथ भी
फिल्म को 19 सितंबर 2017 को सेंसर औपचारिकताओं के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था, जहां फिल्म यू प्रमाणन और 145 मिनट का रन टाइम मिला था। स्पाइडर को अमेरिका में भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म को देश में 800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार की बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तेलुगु के लिए सबसे बड़ी रिलीज बन गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को अरबी में डब करके रिलीज किया जाएगा और इसे खाड़ी देशों में रिलीज किया जाना था। हैनी ने फिल्म के वियतनामी डबिंग अधिकार खरीदे और इसे वियतनाम में रिलीज किया गया था। फिल्म के तमिलनाडु नेट के अधिकारों को लाइका प्रोडक्शंस ने 18 करोड़ में हासिल किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों को प्रोडक्शन हाउस ने ही सुरक्षित कर लिया था निजाम अधिकारों को छोड़कर, जिसे दिल राजू ने 24 करोड़ में हासिल किया था। विदेशी वितरण अधिकार एटमस एंटरटेनमेंट को 22.5 करोड़ में बेचे गए और सौंपे गए अधिकार 12 करोड़ में बेचे गए और विजाग अधिकार 8.1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने पूर्व में 6 करोड़ और पश्चिम में 4.5 करोड़, कृष्णा में 5.4 करोड़, गुंटूर में 7.2 करोड़ और नेल्लोर में 3.2 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर तेलुगु राज्यों से 70.4 करोड़ फिल्म के कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स को 10.8 करोड़ में बेचे गए, केरल नाट्य के अधिकार में 1.3 करोड़ में बेचे गए और शेष भारत के अधिकार 1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने अकेले दुनिया भर में नाट्य की बिक्री से 124 करोड़ कमाए। तेलुगु और हिंदी संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार जो 25 करोड़ में बेचे गए, तमिल और मलयालम संस्करण जो 6.5 करोड़ में बेचे गए और ऑडियो अधिकार जो 1.5 करोड़ में बेचे गए सहित फिल्म ने रिलीज से पहले कुल 157 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का पहला पोस्टर शुरू में 29 मार्च 2017 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अंततः इसे 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था। पोस्टर में एक बाप और फटी हुई बाबू की झलक दिखाई दी जिसके हाथ में बंदूक थी। पोस्टर को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए एक आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज और एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शुरुआत में निर्माता ने 31 मई 2017 को फिल्म की पहली झलक जारी करना चाहते थे जो महेश के पिता अभिनेता कृष्णा के जन्मदिन के साथ मेल खाता था, लेकिन अनुभवी फिल्म निर्माता दसारी नारायण राव के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए इसे 1 जून की आधी रात को टीजर लॉन्च किया गया था। 9 अगस्त 2017 को निर्माताओं ने अभिनेता के जन्मदिन के साथ फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया गया। टीजर ने रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर 8.6 मिलियन व्यूज पार कर ली और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 15 सितंबर 2017 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित प्री रिलीज इवेंट के दौरान जारी किया गया था। ट्रेलर को उत्कृष्ट समीक्षा और इसने कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए। फिल्म की रिलीज से पहले महेश बाबू ने खुलासा किया कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया रोबोट मकड़ी फिल्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। महेश ने यह घोषणा की कि वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक निराश हो और फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क और संस्करणों को सन टीवी नेटवर्क के लिए उन्हें 30.5 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में हासिल की और फिल्म का तेलुगु संस्करण जी तेलुगु में इसे 14 जनवरी 2018 को संक्रांति के साथ प्रीमियर किया गया था और इसने टीआरपी रेटिंग दर्ज की गई और इसने फिल्म के लिए और फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और इसे 17 जून 2018 को सीधे जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था। और स्पाइडर को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने कलाकारों के अभिनय के लिए और एक्शन दृश्य और निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पटकथा और गति की आलोचना की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6 आलोचकों की 0% समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.5 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि लेखन एक बिंदु के बाद स्पाइडर को पूरी तरह से निराश कर देता और थुपक्की को एक आदमी बचाने की कोशिश करने और एक आदमी को नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में भी थी और इसके विपरीत जो अच्छाई और बुराई के बीच एक रोमांचक खेल होना चाहिए था वह एक ऐसी फिल्म में बदल जाती है जो एक दमकदार थ्रिलर
और कुछ भी हो सकने वाली मसाला फिल्म के बीच फैसला नहीं कर पाती। इंडिया टुडे के एस श्रीवत्स ने 5 में से 2 स्टार दिए और इसे संक्षेप में इस प्रकार लिया। स्पाइडर का मूल तेलुगु दर्शकों के लिए लिखा गया, लगता है उनके लिए स्पाइडर एक संतोषजनक स्टार वाहन नहीं है, या शायद स्पाइडर वह नहीं है जो मुरुगदास ने कागज पर कल्पना की थी, क्योंकि कुछ दृश्य कागज पर ही दिखावटी लगते और दूसरे भाग के दृश्य पर विचार करें और आप बेहतर समझेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि स्पाइडर अपनी खामियों के बावजूद एक मनोरंजन के रूप में सामने आता है। फिल्म कैंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने अपनी समीक्षा में लिखा, यह फिल्म एक बहुत ही अच्छी भगवान बनाम दानव की कहानी है, जिसमें एक ठोस नायक और एक शानदार खलनायक है। NDTV के सुभाष के झा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि मुरुगदास एक परिचित बुरे आदमी एक अच्छे आदमी की कहानी लेते हैं और इसे रंगों और अनुकूलताओं में एक आकर्षक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल देते हैं और आसन्न मृत्यु के समय के जीवन का सुझाव देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीधर अधिवी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और जिसमें कहा गया कि नायक और खलनायक के बीच संघर्ष एक सनसनीखेज या जासूसी फिल्म के लिए काफ़ी सुरक्षित कथानक लगता है। हालांकि मुरुगदास का लेखन आपको वह रोमांचक या रोमांचक नहीं दे पाता जिसका वादा प्रोमो में किया गया था। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि स्पाइडर की शुरुआती अच्छी होती है, लेकिन निर्देशक की कल्पनाशीलता एक उद्देश्यपूर्ण कथानक को हर्षप्रास्त बना देती है। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर फिल्म के बारे में। स्पाइडर फिल्म की बात की जाए, यह 2017 की भारतीय मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे AR मुरुगदास ने लिखा है और निर्देशित किया है और NV प्रसाद ने इसका निर्माण किया है। फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें महेश बाबू, SJ श्रिया और रकुलप्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। मुरुगदास ने फिल्म संवाद लिखे जबकि पुरुचूरी बदर्स ने तेलुगु संस्करण लिखा। फिल्म का संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है जिसमें संतोष शिवन ने छायांकन और हरीश जयराज ने संगीत दिया है। इस फिल्म या फिल्म तमिल में ब्रह्मोत्सवम के साथ एक साथ रिलीज के असफल प्रयास के बाद बाबू की तमिल शुरुआत है। मूल रूप से फिल्म का शीर्षक अभिमन्युडू और संभावनी होने की अपवाद थी। इससे पहले यह इसे 18 मार्च 2017 को आधिकारिक शीर्षक स्पाइडर के रूप में अंतिम रूप दिया गया। फिल्म का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और इसके बाद प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआती हुई। शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई, कुछ हिस्सों हैदराबाद और विजाग में और उसके आसपास हुए, जबकि गाने अगस्त 2017 में समाप्त होने से पहले विदेशों में फिल्माए गए थे। स्पाइडर को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम में 27 सितंबर 2017 को और अमेरिका और खाड़ी देशों में 26 सितंबर को रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। शिवा एक IB अधिकारी जो लोगों की मदद करने के लिए उनके कॉल और संदेशों पर जासूसी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करता है और 16 मार्च की रात को शिवा चार्ली की मैं अपनी सहेली के साथ US स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी परीक्षा में 96% से 98% लाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है और ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। शिवा उसका पीछा करता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं, लेकिन शिवा को अपनी नौकरी की वजह से अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है क्योंकि वह अपने घर में अकेली और डरी हुई है क्योंकि उसके घर में बिजली गुल गई है और जबकि उसकी गली में बाकी सभी के पास बिजली
है। चिंतित होकर शिव अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को उसकी मदद के लिए लड़की के पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन समाचार की सुर्खियों में दो महिलाओं की भीषण मौत की खबर शिव अपराध स्थल का दौरा करता है और अपराध बोध के कारण आईबी के से इस्तीफा दे देता है। लेकिन उसके पिता उसे हत्यारे को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिवा लड़की की चेट और ठिकानों की जांच करने निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका कैफे तक पीछा करता रहा। फेसबुक के जरिए शिवा एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होता है जो पीछा करने वाले को जानता था और प्रदान की गई थी जानकारी के साथ शिवा उस गाँव की यात्रा करता है जहाँ पीछा करने वाले बड़ा हुआ था और अपनी खोज शुरू करता। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस आदमी की अतीत के बारे में पता चलता है और सुदालाई और अपनी माँ पिता और छोटे भाई के साथ कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मृतकों के अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के कारण सुदालाई को एसपीडी से पीड़ित होना पड़ता है, जहां वह पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी देखने की असामान्य इच्छा विकसित करता है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देखता है और दूसरे गांव वालों को यह बात बताता है कि उग्र भीड़ ने सुदालाई के घर को जलाने का फैसला किया, जिससे उसके माता पिता की मौत हो गई। क्रोधित होकर सुदालाई अपने छोटे भाई के साथ अपनी हत्याओं की होड़ जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। वह वर्तमान में सुदालाई को पकड़ता और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सुदालाई का भाई। सुदालाई अपने चेहरे को ढकने वाले नकाब के साथ लाइव टेलीविजन पर जाता है और खुलासा करता है कि उसने 23 लोगों को मार डाला है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है और नागरिकों को उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ने की धमकी देता है। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने सुदालाई के भाई को मार देता है, जिसमें एक क्रोधित सुदालाई भी शामिल है जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान सुदालाई शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी माँ उसे फोन करती और बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं। जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था कि अपनी टीम की मदद से शिवा अपने परिवार को बचाने में सक्षम होता है। शिवा सुदालाई का अलग लक्ष्य बन जाता है और वह घर लौटते समय शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवा एक ट्रक पर चढ़ जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सुदालाई की तलाश फिर से शुरू करता है क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मार दी थी। वह अनुमान लगाता है कि सुदालाई ने खुद को एक घर में छिपा लिया जहां वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया। स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से शिवा सुदालाई को ढूंढता और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन सुदालाई उसे बताता है कि उसने पहले ही शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा बड़ी चट्टान को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि सुदालाई पुलिस की हिरासत से भाग जाता है और एक अस्पताल को नष्ट करने की अपनी योजना को जारी रखता है। शालिनी की लक्षित अस्पताल के बारे में पता चलता है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह शिवा को बताने से मना कर देती है। शिवा उसकी टैक्सी का पता लगाता है जहाँ वह उसके अस्पताल के बारे में बताती है। शिवा अस्पताल पहुंचता है और अंदर के लोगों को निकालना शुरू करता है, जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते कुछ मरीजों को बचाने में असमर्थ होता है और जिससे उसका दिल टूट जाता है। सुदालाई शिवा के दुख को देखता है और खुश हो जाता है। शिवा सुदालाई को देखता है और वो क्रोधित हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें शिवा सुदालाई को परास्त कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद शिवा मीडिया को मानवता दिखाने के लिए महत्व के बारे में बताता है और शालिनी के साथ चला जाता है जो शिवा के बारे में चिंतित थी और वह मूल रूप से महेश बाबू ने तमिल में अपना सीधा डेब्यू करने की योजना बनाई थी श्री मंदोटू के डब तमिल संस्करण के बाद, जिसका शीर्षक सेल्वधन था और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। यह मानने के बाद कि स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए बिना दोनों भाषाओं में व्यावसायिक रूप से सफल होने की क्षमता थी, बाबू ने एक
तेलुगु तमिल फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, हालांकि बाद में योजना को छोड़ दिया गया और नवंबर 2015 में बाबू ने घोषणा की कि उनकी अगली परियोजना एआर मुरुगदास द्वारा निर्देशित एक तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी। यह बाबू की पहली प्रत्यक्ष तमिल शुरुआत, साथ ही मुरुगदास की तेलुगु सिनेमा उद्योग में वापसी, चिरंजीवी अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म स्टालिन 2006 के दशक के बाद थी और संतोष शिवन ने मुरुगदास के साथ तो पक्की 2012 में छायाकार के रूप में काम किया और हैरिस जयराज जिन्होंने मुरुगदास की पिछली फिल्मों गजनी में अरबी और थुपाकी के लिए संगीत दिया। संगीतकार के रूप में बताया गया कि बाबू फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, हालांकि अन्य रिपोर्टों के दावा किया गया था कि बाबू एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का शीर्षक भी अभिमन्यु होने की अफवाह थी और हालांकि दिसंबर 2016 में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का संभावित शीर्षक सभामी घोषित किया गया, जिसे प्रशंसकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और इसे 18 मार्च 2017 को फिल्म का शीर्षक स्पाइडर बताया गया। मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू में साइन किया गया था, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत तकदूम में फाइनल होने के बाद उनकी अनुपलब्धता का मतलब था कि निर्माताओं ने प्रमुख भूमिका के लिए रुकुल प्रीत सिंह से संपर्क किया गया। एसजे सूर्या को मुख्य भूमिका में अभिनय करने के बाद पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। नानी 2004 में उन्हें निर्देशित करने के बाद महेश बाबू के साथ उनका दूसरा सहयोग था और मुरुगदास वाली और खुशी फिल्में में एसजे सूर्या के पूर्व सहायक थे। तमिल अभिनेता आरजे बालाजी नसीब की दोस्त की भूमिका निभाते हुए जनवरी 2017 में फिल्म साइन की और दिसंबर 2016 जुड़वा स्टंट कोरियोग्राफर अनब रीव को अंततः एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म में शामिल किया गया, हालांकि पीटर हैन को भी फिल्म में शामिल किया गया था। आरसी कमलाकनन जिन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन 2017 के लिए दृश्य प्रभावों की देखरेख की थी और तकनीकी दल के हिस्सों के रूप में शामिल किया गया था। कमलाकनन ने दावा किया कि फिल्म में भारी दृश्य प्रभाव और एक रूसी प्रमुख स्टूडियो फिल्म पर काम कर रहा था। शुरू में नयनतारा के फिल्म एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की अफवाह थी, हालांकि मुरुगदास ने इससे इनकार कर दिया और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी इसे 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई। रकुल प्रीत सिंह अगस्त 2016 में सेट पर शामिल हुई और निर्माताओं ने सिंह और बाबू के बीच रोमांटिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल चेन्नई शेड्यूल खत्म होने के बाद सितंबर 2016 के मध्य में पुणे और बेंगलुरु में हुआ और इसे 21 अक्टूबर 2016 को सिंह को एक्शन एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ में मामूली चोट लगी। हालांकि अभिनेत्री जिसे एक दिन आराम करने की सलाह दी गई थी ने तुरंत शूटिंग फिर से शुरू कर दी और तीसरा शेड्यूल नवंबर 2016 में हैदराबाद में शुरू किया गया था और जिसमें 3 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ था और फिल्मांकन शूटिंग खत्म करने के बाद टीम चौथे शेड्यूल के लिए अहमदाबाद और सूरत रवाना हुई और थोड़े समय के ब्रेक के बाद निर्माताओं ने जनवरी 2017 में मुंबई में शूटिंग फिर से शुरू की, जहां बाबू के परिचयात्मक दृश्यों की शूटिंग की गई और मार्च 2017 के दौरान चिरंजीवी ने फिल्म के सेट का दौरा किया। मार्च के अंत और मई की शुरुआत के बीच वियतनाम में अधिक फिल्मांकन हुआ और कुछ एक्शन दृश्यों को स्थानीय स्टंट कलाकारों के साथ वहां फिल्माया गया, जैसे रोलर कोस्टर चेज। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 20 अप्रैल 2017 को हैदराबाद में होने की उम्मीद थी, हालांकि शूटिंग 4 मई 2017 को शुरू हुई और कला निर्देशक रूपिन सूचक ने एक स्रोत से खुलासा किया कि फिल्म का 98% हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया था और तेलुगु संस्करण के लिए पृष्ठभूमि को कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से हैदराबाद में बदल दिया गया था। बाबू ने बॉडी और डबल्स का उपयोग किए बिना फिल्म में स्टंट खुद किए। कुछ अधिक गहन दृश्यों में उन्होंने विभिन्न चोटों के बावजूद अपने स्टंट करना जारी रखा, जिसके कारण एक
फिजियोथेरेपिस्ट को उनके लिए अस्थायी रूप से सेट पर तैनात किया गया और अंततः वह शूटिंग शेड्यूल के बाद एक सप्ताह तक उठ नहीं सके। 16 मई 2017 को एक सूत्र ने दावा किया कि निर्माताओं ने सामान्य चरमोत्कर्ष के बजाय उच्च आवर्तन एक्शन दृश्यों के साथ चरमोत्कर्ष अनुक्रम की योजना बनाई थी और जिसे मूल रूप से हैदराबाद के बीबी नगर में NEMS अस्पताल में शूट किया जाना था और फिल्मांकन 2 जून 2017 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अंतिम कार्यक्रम 13 जून को शुरू किया गया था और जहां मामूली संवाद भाग फिल्माए गए थे, जिसकी शूटिंग केवल 4 दिनों तक चली थी। जुलाई 2017 में निर्माताओं ने हैदराबाद में 10 दिनों के लिए एक गीत अनुक्रम फिल्माया। फिल्म का आखिरी गाना 2 अगस्त विदेश में शूट किया जाना था और इसके पूरा होने के बाद मुख्य शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज होगी। उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को 10 अगस्त 2017 तक टाल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को फिर से सितंबर के मध्य और फिर दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने आखिरकार घोषणा की कि फिल्म 27 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए बड़े स्वागत के बाद स्पाइडर को तेलुगु और तमिल में एक साथ रिलीज करने की भी योजना बनाई गई थी और इसी नाम के मलयालम डब संस्करण के साथ भी फिल्म को 19 सितंबर 2017 को सेंसर औपचारिकताओं के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था, जहां फिल्म यू प्रमाणन और 145 मिनट का रन टाइम मिला था। स्पाइडर को अमेरिका में भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म को देश में 800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार की यह बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तेलुगु के लिए सबसे बड़ी रिलीज बन गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को अरबी में डब करके रिलीज किया जाएगा और इसे खाड़ी देशों में रिलीज किया जाना था। हैनू ने फिल्म के वियतनामी डबिंग अधिकार खरीदे और इसे वियतनाम में रिलीज किया गया था। फिल्म के तमिलनाडु नेट के अधिकारों को लाइका प्रोडक्शंस ने 18 करोड़ में हासिल किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों को प्रोडक्शन हाउस ने ही सुरक्षित कर लिया था निजाम अधिकारों को छोड़कर, जिसे दिल राजू ने 24 करोड़ में हासिल किया था। विदेशी वितरण अधिकार एटमस एंटरटेनमेंट को 22.5 करोड़ में बेचे गए और सौंपे गए अधिकार 12 करोड़ में बेचे गए और विजाग अधिकार 8.1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने पूर्व में 6 करोड़ और पश्चिम में 4.5 करोड़, कृष्णा में 5.4 करोड़, गुंटूर में 7.2 करोड़ और नेल्लोर में 3.2 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर तेलुगु राज्यों से 70.4 करोड़ फिल्म के कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स को 10.8 करोड़ में बेचे गए, केरल नाट्य अधिकार में 1.3 करोड़ में बेचे गए और शेष भारत के अधिकार 1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने अकेले दुनिया भर में नाट्य बिक्री से 124 करोड़ कमाए। तेलुगु और हिंदी संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार जो 25 करोड़ में बेचे गए, तमिल और मलयालम संस्करण जो 6.5 करोड़ में बेचे गए और ऑडियो अधिकार जो 1.5 करोड़ में बेचे गए सहित फिल्म ने रिलीज से पहले कुल 157 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का पहला पोस्टर शुरू में 29 मार्च 2017 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अंततः इसे 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था। पोस्टर में एक बाप और फटी हुई बाबू की झलक दिखाई दी जिसके हाथ में बंदूक थी। पोस्टर को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए एक आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज और एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शुरुआत में निर्माता ने 31 मई 2017 को फिल्म की पहली झलक जारी करना चाहते थे, जो महेश के पिता अभिनेता कृष्णा के जन्मदिन के साथ मेल खाता था, लेकिन अनुभवी फिल्म निर्माता दसारी नारायण राव के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए इसे 1 जून की आधी रात को टीजर लॉन्च किया गया था और 9 अगस्त 2017 को निर्माताओं ने अभिनेता के जन्मदिन के साथ फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया गया। टीजर ने रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर 8.6 मिलियन व्यूज पार कर ली और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 15 सितंबर 2017 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित प्री रिलीज इवेंट के दौरान जारी किया गया था।
ट्रेलर को उत्कृष्ट समीक्षा और इसने कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए। फिल्म की रिलीज से पहले महेश बाबू ने खुलासा किया कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया रोबोट मकड़ी फिल्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। महेश ने यह घोषणा की कि वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक निराश हो और फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क और संस्करणों को सन टीवी नेटवर्क के लिए उन्हें 30.5 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में हासिल की और फिल्म का तेलुगु संस्करण जी तेलुगु में इसे 14 जनवरी 2018 को संक्रांति के साथ प्रीमियर किया गया था और इसने टीआरपी रेटिंग दर्ज की गई और इसने फिल्म के लिए और फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और इसे 17 जून 2018 को सीधे जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था। और स्पाइडर को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने कलाकारों के अभिनय के लिए और एक्शन दृश्य और निर्देशन की प्रशंसा की लेकिन इसकी पटकथा और गति की आलोचना की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6 आलोचकों की 0% समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.5 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि लेखन एक बिंदु के बाद स्पाइडर को पूरी तरह से निराश कर देता और थुपक्की को एक आदमी बचाने की कोशिश करने और एक आदमी को नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में भी थी और इसके विपरीत जो अच्छाई और बुराई के बीच एक रोमांचक खेल होना चाहिए था वह एक ऐसी फिल्म में बदल जाती है जो एक धमाकेदार थ्रिलर और कुछ भी हो सकने वाली मसाला फिल्म के बीच फैसला नहीं कर पाती। इंडिया टुडे के एस श्रीवत्स ने 5 में से 2 स्टार दिए और इसे संक्षेप में इस प्रकार लिया। स्पाइडर का मूल तेलुगु दर्शकों के लिए लिखा गया लगता है उनके लिए स्पाइडर एक संतोषजनक स्टार वाहन नहीं है या शायद स्पाइडर वह नहीं है जो मुरुगदास ने कागज पर कल्पना की थी क्योंकि कुछ दृश्य कागज पर ही दिखावटी लगते और दूसरे भाग के दृश्य पर विचार करें और आप बेहतर समझेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि स्पाइडर अपनी खामियों के बावजूद एक मनोरंजन के रूप में सामने आता है। फिल्म कैंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने अपनी समीक्षा में लिखा यह फिल्म एक बहुत ही अच्छी भगवान बनाम दानव की कहानी है जिसमें एक ठोस नायक और एक शानदार खलनायक है। NDTV के सुभाष के झा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि मुरुगदास एक परिचित बुरे आदमी एक अच्छे आदमी की कहानी लेते हैं और इसे रंगों और अनुकूलताओं में एक आकर्षक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल देते हैं और आसन्न मृत्यु के समय के जीवन का सुझाव देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीधर आदिवी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और जिसमें कहा गया कि नायक और खलनायक के बीच संघर्ष एक सनसनीखेज या जासूसी फिल्म के लिए काफ़ी सुरक्षित कथानक लगता है। हालांकि मुरुगदास का लेखन आपको वह रोमांचक या रोमांचक नहीं दे पाता जिसका वादा प्रोमो में किया गया था। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि स्पाइडर की शुरुआती अच्छी होती है लेकिन निर्देशक की कल्पनाशीलता एक उद्देश्यपूर्ण कथानक को हर्षप्रास्त बना देती और हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर फिल्म के बारे में। स्पाइडर फिल्म की बात की जाए यह 2017 की भारतीय मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे AR मुरुगदास ने लिखा और निर्देशित किया है और NV प्रसाद ने इसका निर्माण किया है। फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें महेश बाबू SJ श्रिया और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। मुरुगदास ने फिल्म संवाद लिखे जबकि पुरुचूरी बदर्स ने तेलुगु संस्करण लिखा। फिल्म का संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है जिसमें संतोष शिवन ने छायांकन और हरीश जयराज ने संगीत दिया है। इस फिल्म या फिल्म तमिल में ब्रह्मोत्सवम के साथ एक साथ रिलीज के असफल प्रयास के बाद बाबू की तमिल शुरुआत है। मूल रूप से फिल्म का शीर्षक अभिमन्युडू और संभावनी होने की अपवाद थी। इससे पहले यह इसे 18 मार्च
2017 को आधिकारिक शीर्षक स्पाइडर के रूप में अंतिम रूप दिया गया। फिल्म का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और इसके बाद प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआती हुई। शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई, कुछ हिस्सों हैदराबाद और विजाग में और उसके आसपास हुए, जबकि गाने अगस्त 2017 में समाप्त होने से पहले विदेशों में फिल्माए गए थे। स्पाइडर को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम में 27 सितंबर 2017 को और अमेरिका और खाड़ी देशों में 26 सितंबर को रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। सिवा एक आईबी अधिकारी जो लोगों की मदद करने के लिए उनके कॉल और संदेशों पर जासूसी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करता है और 16 मार्च की रात को सिवा चार्ली की मैं अपनी सहेली के साथ यूएस स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी परीक्षा में 96% से 98% लाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है और ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। शिवा उसका पीछा करता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं, लेकिन शिवा को अपनी नौकरी की वजह से अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है, क्योंकि वह अपने घर में अकेली और डरी हुई है, क्योंकि उसके घर में बिजली घुल गई है और जबकि उसकी गली में बाकी सभी के पास बिजली। चिंतित होकर शिव अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को उसकी मदद के लिए लड़की के पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन समाचार की सुर्खियों में दो महिलाओं की भीषण मौत की खबर। शिवा अपराध स्थल का दौरा करता है और अपराध बोध के कारण आईबी के से इस्तीफा दे देता है, लेकिन उसके पिता उसे हत्यारे को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिवा लड़की की चेट और ठिकानों की जाँच करने निकलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका कैफे तक पीछा करता रहा। फेसबुक के जरिए शिवा एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होता है जो पीछा करने वाले को जानता था और प्रदान की गई थी जानकारी के साथ शिवा उस गांव की यात्रा करता है जहां पीछा करने वाले बड़ा हुआ था और अपनी खोज शुरू करता। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस आदमी की अतीत के बारे में पता चलता है और सुदालाई और अपनी माँ, पिता और छोटे भाई के साथ कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मृतकों के अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के कारण सुदालाई को एसपीडी से पीड़ित होना पड़ता है, जहां वह पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी देखने की असामान्य इच्छा विकसित करता है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देखता है और दूसरे गाँव वालों को यह बात बताता है कि उग्र भीड़ ने सुदालाई के घर को जलाने का फैसला किया, जिससे उसके माता पिता की मौत हो गई। क्रोधित होकर सुदालाई अपने छोटे भाई के साथ अपनी हत्याओं की होड़ जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। वह वर्तमान में सुदालाई को पकड़ता और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सुदालाई का भाई। सुदालाई अपने चेहरे को ढकने वाले नकाब के साथ लाइव टेलीविजन पर जाता है और खुलासा करता है कि उसने 23 लोगों को मार डाला है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है और नागरिकों को उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ने की धमकी देता है। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने सुदालाई के भाई को मार देता है, जिसमें एक क्रोधित सुदालाई भी शामिल है जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान सुदालाई शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी माँ उसे फोन करती और बताती है कि वह डरी हुई है, क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं। जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था कि अपनी टीम की मदद से शिवा अपने परिवार को बचाने में सक्षम होता है। शिवा सुदालाई का अलग लक्ष्य बन जाता है और वह घर लौटते समय शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवा एक ट्रक पर चढ़ जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सुदालाई की तलाश फिर से शुरू करता है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मार दी थी। वह अनुमान
लगाता है कि सुदालाई ने खुद को एक घर में छिपा लिया जहां वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया। स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से शिवा सुदालाई को ढूंढता और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन सुदालाई उसे बताता है कि उसने पहले इस शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा बड़ी चट्टान को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि सुदालाई पुलिस की हिरासत से भाग जाता है और एक अस्पताल को नष्ट करने की अपनी योजना को जारी रखता है। शालिनी की लक्षित अस्पताल के बारे में पता चलता है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह शिवा को बताने से मना कर देती है। शिवा उसकी टैक्सी का पता लगाता है जहाँ वह उसके अस्पताल के बारे में बताती है। शिवा अस्पताल पहुँचता है और अंदर के लोगों को निकालना शुरू करता है, जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते कुछ मरीजों को बचाने में असमर्थ होता है और जिससे उसका दिल टूट जाता है। सुदालाई शिवा के दुख को देखता और खुश हो जाता है। शिवा सुदालाई को देखता है और वो क्रोधित हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें शिवा सुदालाई को परास्त कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद शिवा मीडिया को मानवता दिखाने के लिए महत्व के बारे में बताता है और शालिनी के साथ चला जाता है, जो शिवा के बारे में चिंतित थी। और वह मूल रूप से महेश बाबू ने तमिल में अपना सीधा डेब्यू करने की योजना बनाई थी श्री मंदोटू के डब तमिल संस्करण के बाद, जिसका शीर्षक सेल्वधन था और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। यह मानने के बाद कि स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए बिना दोनों भाषाओं में व्यावसायिक रूप से सफल होने की क्षमता थी, बाबू ने एक तेलुगु तमिल फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में योजना को छोड़ दिया गया और नवंबर 2015 में बाबू ने घोषणा की कि उनकी अगली परियोजना एआर मुरुगदास द्वारा निर्देशित एक तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी। यह बाबू की पहली प्रत्यक्ष तमिल शुरुआत, साथ ही मुरुगदास की तेलुगु सिनेमा उद्योग में वापसी, चिरंजीवी अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म स्टालिन 2006 के दशक के बाद थी और संतोष शिवन ने मुरुगदास के साथ तो पक्की 2012 में छायाकार के रूप में काम किया और हैरिस जयराज जिन्होंने मुरुगदास की पिछली फिल्मों गजनी में अरबी और थुपाकी के लिए संगीत दिया। संगीतकार के रूप में बताया गया कि बाबू फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि अन्य रिपोर्टों के दावा किया गया था कि बाबू एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का शीर्षक भी अभिमन्यु होने की अफवाह थी और हालांकि दिसंबर 2016 में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का संभावित शीर्षक सभामी घोषित किया गया, जिसे प्रशंसकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और इसे 18 मार्च 2017 को फिल्म का शीर्षक स्पाइडर बताया गया। मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू में साइन किया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत तकदूम में फाइनल होने के बाद उनकी अनुपलब्धता का मतलब था कि निर्माताओं ने प्रमुख भूमिका के लिए रुकुल प्रीत सिंह से संपर्क किया गया। एसजे सूर्या को मुख्य भूमिका में अभिनय करने के बाद पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। नानी 2004 में उन्हें निर्देशित करने के बाद महेश बाबू के साथ उनका दूसरा सहयोग था और मुरुगदास वाली और खुशी फिल्में में एसजे सूर्या के पूर्व सहायक थे। तमिल अभिनेता आरजे बालाजी ने शिव की दोस्त की भूमिका निभाते हुए जनवरी 2017 में फिल्म साइन की और दिसंबर 2016 जुड़वा स्टंट कोरियोग्राफर अनब रीव को अंततः एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म में शामिल किया गया। हालांकि पीटर हैन को भी फिल्म में शामिल किया गया था। आरसी कमलाकनन जिन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन 2017 के लिए दृश्य प्रभावों की देखरेख की थी और तकनीकी दल के हिस्सों के रूप में शामिल किया गया था। कमलाकनन ने दावा किया कि फिल्म में भारी दृश्य प्रभाव और एक रूसी प्रमुख स्टूडियो फिल्म पर काम कर रहा था। शुरू में नयनतारा के फिल्म एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की अफवाह थी। हालांकि मुरुगदास ने इससे इनकार कर दिया और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी इसे 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई। रकुल प्रीत सिंह अगस्त 2016 में सेट पर शामिल हुई और निर्माताओं ने सिंह और बाबू के बीच रोमांटिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल चेन्नई शेड्यूल खत्म होने के बाद
सितंबर 2016 के मध्य में पुणे और बेंगलुरु में हुआ और इसे 21 अक्टूबर 2016 को सिंह को एक्शन एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ में मामूली चोट लगी। हालांकि अभिनेत्री, जिसे एक दिन आराम करने की सलाह दी गई थी, ने तुरंत शूटिंग फिर से शुरू कर दी और तीसरा शेड्यूल नवंबर 2016 में हैदराबाद में शुरू किया गया था, जिसमें 3 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ था और फिल्मांकन शूटिंग खत्म करने के बाद टीम चौथे शेड्यूल के लिए अहमदाबाद और सूरत रवाना हुई और थोड़े समय के ब्रेक के बाद निर्माताओं ने जनवरी 2017 में मुंबई में शूटिंग फिर से शुरू की, जहां बाबू के परिचयात्मक दृश्यों की शूटिंग की गई और मार्च 2017 के दौरान चिरंजीवी ने फिल्म के सेट का दौरा किया। मार्च के अंत और मई की शुरुआत के बीच वियतनाम में अधिक फिल्मांकन हुआ और कुछ एक्शन दृश्यों को स्थानीय स्टंट कलाकारों के साथ वहां फिल्माया गया, जैसे रोलर कोस्टर चीज। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 20 अप्रैल 2017 को हैदराबाद में होने की उम्मीद थी। हालांकि शूटिंग 4 मई 2017 को शुरू हुई और कला निर्देशक रूपिन सूचक ने एक स्रोत से खुलासा किया कि फिल्म का 98% हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया था और तेलुगु संस्करण के लिए पृष्ठभूमि को कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से हैदराबाद में बदल दिया गया था। बाबू ने बॉडी और डबल्स का उपयोग किए बिना फिल्म में स्टंट खुद किए। कुछ अधिक गहन दृश्यों में उन्होंने विभिन्न चोटों के बावजूद अपने स्टंट करना जारी रखा, जिसके कारण एक फिजियोथेरेपिस्ट को उनके लिए अस्थायी रूप से सेट पर तैनात किया गया और अंततः वह शूटिंग शेड्यूल के बाद 1 सप्ताह तक उठ नहीं सके। 16 मई 2017 को एक सूत्र ने दावा किया कि निर्माताओं ने सामान्य चरमोत्कर्ष के बजाय उच्च आवर्तन एक्शन दृश्यों के साथ चरमोत्कर्ष अनुक्रम की योजना बनाई थी और जिसे मूल रूप से हैदराबाद के बीबी नगर में NEMS अस्पताल में शूट किया जाना था और फिल्मांकन 2 जून 2017 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अंतिम कार्यक्रम 13 जून को शुरू किया गया था और जहां मामूली संवाद भाग फिल्माए गए थे, जिसकी शूटिंग केवल 4 दिनों तक चली थी। जुलाई 2017 में निर्माताओं ने हैदराबाद में 10 दिनों के लिए एक गीत अनुक्रम फिल्माया। फिल्म का आखिरी गाना 2 अगस्त विदेश में शूट किया जाना था और इसके पूरा होने के बाद मुख्य शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज होगी। उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को 10 अगस्त 2017 तक टाल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को फिर से सितंबर के मध्य और फिर दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने आखिरकार घोषणा की कि फिल्म 27 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए बड़े स्वागत के बाद स्पाइडर को तेलुगु और तमिल में एक साथ रिलीज करने की भी योजना बनाई गई थी और इसी नाम के मलयालम डब संस्करण के साथ भी फिल्म को 19 सितंबर 2017 को सेंसर औपचारिकताओं के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था, जहां फिल्म यू प्रमाणन और 145 मिनट का रन टाइम मिला था। स्पाइडर को अमेरिका में भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म को देश में 800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार की यह बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तेलुगु के लिए सबसे बड़ी रिलीज बन गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को अरबी में डब करके रिलीज किया जाएगा और इसे खाड़ी देशों में रिलीज किया जाना था। हैनू ने फिल्म के वियतनामी डबिंग अधिकार खरीदे और इसे वियतनाम में रिलीज किया गया था। फिल्म के तमिलनाडु नेट के अधिकारों को लाइका प्रोडक्शंस ने 18 करोड़ में हासिल किया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों को प्रोडक्शन हाउस ने ही सुरक्षित कर लिया था। निजाम अधिकारों को छोड़कर, जिसे दिल राजू ने 24 करोड़ में हासिल किया था, विदेशी वितरण अधिकार एटमस एंटरटेनमेंट को 22.5 करोड़ में बेचे गए और सौंपे गए अधिकार 12 करोड़ में बेचे गए और विजाग अधिकार 8.1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने पूर्व में 6 करोड़ और पश्चिम में 4.5 करोड़, कृष्णा में 5.4 करोड़, गुंटूर में 7.2 करोड़ और नेल्लोर में 3.2 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर तेलुगु राज्यों से
70.4 करोड़ फिल्म की कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स को 10.8 करोड़ में बेचे गए, केरल नाट्य अधिकार में 1.3 करोड़ में बेचे गए और शेष भारत के अधिकार 1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने अकेले दुनिया भर में नाट्य बिक्री से 124 करोड़ कमाए। तेलुगु और हिंदी संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार जो 25 करोड़ में बेचे गए, तमिल और मलयालम संस्करण जो 6.5 करोड़ में बेचे गए और ऑडियो अधिकार जो 1.5 करोड़ में बेचे गए सहित फिल्म ने रिलीज से पहले कुल 157 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का पहला पोस्टर शुरू में 29 मार्च 2017 को रिलीज होने वाला था लेकिन अंततः इसे 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था। पोस्टर में एक बाप और फटी हुई बाबू की झलक दिखाई दी जिसके हाथ में बंदूक थी। पोस्टर को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए एक आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज और एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शुरुआत में निर्माता ने 31 मई 2017 को फिल्म की पहली झलक जारी करना चाहते थे जो महेश के पिता अभिनेता कृष्णा के जन्मदिन के साथ मेल खाता था लेकिन अनुभवी फिल्म निर्माता दसारी नारायण राव के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए इसे 1 जून की आधी रात को टीजर लॉन्च किया गया था। 9 अगस्त 2017 को निर्माताओं ने अभिनेता के जन्मदिन के साथ फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया गया। टीजर ने रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर 8.6 मिलियन व्यूज पार कर ली और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 15 सितंबर 2017 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित प्री रिलीज इवेंट के दौरान जारी किया गया था। ट्रेलर को उत्कृष्ट समीक्षा और इसने कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए। फिल्म की रिलीज से पहले महेश बाबू ने खुलासा किया कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया रोबोट मकड़ी फिल्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। महेश ने यह घोषणा की कि वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक निराश हो और फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क और संस्करणों को सन टीवी नेटवर्क नेटवर्क के लिए उन्हें 30.5 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में हासिल की और फिल्म का तेलुगु संस्करण जी तेलुगु में इसे 14 जनवरी 2018 को संक्रांति के साथ प्रीमियर किया गया था और इसने टीआरपी रेटिंग दर्ज की गई और इसने फिल्म के लिए और फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और इसे 17 जून 2018 को सीधे जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था। और स्पाइडर को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने कलाकारों के अभिनय के लिए और एक्शन दृश्य और निर्देशन की प्रशंसा की लेकिन इसकी पटकथा और गति की आलोचना की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6 आलोचकों की 0% समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.5 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि लेखन एक बिंदु के बाद स्पाइडर को पूरी तरह से निराश कर देता है और थुपक्की को एक आदमी बचाने की कोशिश करने और एक आदमी को नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में भी थी और इसके विपरीत जो अच्छाई और बुराई के बीच एक रोमांचक खेल होना चाहिए था वह एक ऐसी फिल्म में बदल जाती है जो एक धमाकेदार थ्रिलर और कुछ भी हो सकने वाली मसाला फिल्म के बीच फैसला नहीं कर पाती। इंडिया टुडे के एस श्रीवत्स ने 5 में से 2 स्टार दिए और इसे संक्षेप में इस प्रकार लिया। स्पाइडर का मूल तेलुगु दर्शकों के लिए लिखा गया लगता है उनके लिए स्पाइडर एक संतोषजनक स्टार वाहन नहीं है या शायद स्पाइडर वह नहीं है जो मुरुगदास ने कागज पर कल्पना की थी क्योंकि कुछ दृश्य कागज पर ही दिखावटी लगते हैं और दूसरे भाग के दृश्य पर विचार करें और आप बेहतर समझेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि स्पाइडर अपनी खामियों के बावजूद एक मनोरंजन के रूप में सामने आता है। फिल्म कैंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने अपनी समीक्षा में लिखा यह फिल्म एक बहुत ही अच्छी भगवान बनाम दानव की कहानी है जिसमें एक ठोस नायक और एक शानदार खलनायक है। NDTV के सुभाष के झा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि मुरुगदास एक परिचित बुरे आदमी एक अच्छे आदमी की कहानी लेते हैं और इसे रंगों और अनुकूलताओं में एक आकर्षक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल देते हैं और आसन्न मृत्यु के समय के जीवन का सुझाव देते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीधर अदवी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और जिसमें कहा गया कि नायक और खलनायक के बीच संघर्ष एक सनसनीखेज या जासूसी फिल्म के लिए काफ़ी सुरक्षित कथानक लगता है। हालांकि मुरुगदास का लेखन आपको वह रोमांचक या रोमांचक नहीं दे पाता जिसका वादा प्रोमो में किया गया था। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि स्पाइडर की शुरुआती अच्छी होती है लेकिन निर्देशक की कल्पनाशीलता एक उद्देश्यपूर्ण कथानक को हर्षप्रास्त बना देती है। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर फिल्म के बारे में। स्पाइडर फिल्म की बात की जाए यह 2017 की भारतीय मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे ER मुरुगदास ने लिखा है और निर्देशित किया है और NV प्रसाद ने इसका निर्माण किया है। फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें महेश बाबू, SJ श्रिया और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। मुरुगदास ने फिल्म संवाद लिखे जबकि पुरुचूरी बदर्स ने तेलुगु संस्करण लिखा। फिल्म का संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है जिसमें संतोष शिवन ने छायांकन और हरीश जयराज ने संगीत दिया है। इस फिल्म या फिल्म तमिल में ब्रह्मोत्सवम के साथ एक साथ रिलीज के असफल प्रयास के बाद बाबू की तमिल शुरुआत है। मूल रूप से फिल्म का शीर्षक अभिमन्युडु और संभावनी होने के अपवाद थी। इससे पहले यह इसे 18 मार्च 2017 को आधिकारिक शीर्षक स्पाइडर के रूप में अंतिम रूप दिया गया। फिल्म का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और इसके बाद प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआती हुई। शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई, कुछ हिस्सों हैदराबाद और विजाग में और उसके आसपास हुए, जबकि गाने अगस्त 2017 में समाप्त होने से पहले विदेशों में फिल्माए गए थे। स्पाइडर को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम में 27 सितंबर 2017 को और अमेरिका और खाड़ी देशों में 26 सितंबर को रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। सिवा एक IB अधिकारी जो लोगों की मदद करने के लिए उनकी कॉल और संदेशों पर जासूसी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करता है और 16 मार्च की रात को सिवा चार्ली की मैं अपनी सहेली के साथ US स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी परीक्षा में 96% से 98% लाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है और ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है। यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, शिवा उसका पीछा करता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। लेकिन शिवा को अपनी नौकरी की वजह से अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है क्योंकि वह अपने घर में अकेली और डरी हुई है क्योंकि उसके घर में बिजली घुल गई है और जबकि उसकी गली में बाकी सभी के पास बिजली है। चिंतित होकर शिव अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को उसकी मदद के लिए लड़की के पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन समाचार की सुर्खियों में दो महिलाओं की भीषण मौत की खबर। शिवा अपराध स्थल का दौरा करता है और अपराध बोध के कारण IB के से इस्तीफा दे देता है लेकिन उसके पिता उसे हत्यारे को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिवा लड़की की चेट और ठिकानों की जांच करने निकलता है जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका कैफे तक पीछा करता रहा। फेसबुक के जरिए शिवा एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होता है जो पीछा करने वाले को जानता था और प्रदान की गई थी जानकारी के साथ शिवा उस गांव की यात्रा करता है जहां पीछा करने वाले बड़ा हुआ था और अपनी खोज शुरू करता है। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस आदमी की अतीत के बारे में पता चलता है और सुदालाई और अपनी माँ, पिता और छोटे भाई के साथ कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मृतकों के अंतिम संस्कार करते हैं लेकिन इस व्यवसाय के कारण सुदालाई को SPD से पीड़ित होना पड़ता है जहां वह पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी देखने की असामान्य इच्छा विकसित करता है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देखता है और दूसरे गांव वालों
को यह बात बताता है कि उग्र भीड़ ने सुदालाई के घर को जलाने का फैसला किया, जिससे उसके माता पिता की मौत हो गई। क्रोधित होकर सुदालाई अपने छोटे भाई के साथ अपने हत्याओं की होड़ जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। वह वर्तमान में सुदालाई को पकड़ता और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सुदालाई का भाई। सुदालाई अपने चेहरे को ढकने वाले नकाब के साथ लाइव टेलीविजन पर जाता है और खुलासा करता है कि उसने 23 लोगों को मार डाला है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है और नागरिकों को उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ने की धमकी देता है। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने सुदालाई के भाई को मार देता है, जिसमें एक क्रोधित सुदालाई भी शामिल है जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान सुदालाई शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी माँ उसे फोन करती और बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं। जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था कि अपनी टीम की मदद से शिवा अपने परिवार को बचाने में सक्षम होता है। शिवा सुदालाई का अलग लक्ष्य बन जाता है और वह घर लौटते समय शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवा एक ट्रक पर चढ़ जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सुदालाई की तलाश फिर से शुरू करता है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मार दी थी। वह अनुमान लगाता है कि सुदालाई ने खुद को एक घर में छिपा लिया जहां वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया। स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से शिवा सुदालाई को ढूंढता और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन सुदालाई उसे बताता है कि उसने पहले ही शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा बड़ी चट्टान को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि सुदालाई पुलिस की हिरासत से भाग जाता है और एक अस्पताल को नष्ट करने की अपनी योजना को जारी रखता है। शालिनी की लक्षित अस्पताल के बारे में पता चलता है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह शिवा को बताने से मना कर देती है। शिवा उसकी टैक्सी का पता लगाता है जहाँ वह उसके अस्पताल के बारे में बताती है। शिवा अस्पताल पहुँचता है और अंदर के लोगों को निकालना शुरू करता है, जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते कुछ मरीजों को बचाने में असमर्थ होता है और जिससे उसका दिल टूट जाता है। सुदालाई शिवा के दुख को देखता है और खुश हो जाता है। शिवा सुदालाई को देखता है और वो क्रोधित हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें शिवा सुदालाई को परास्त कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद शिवा मीडिया को मानवता दिखाने के लिए महत्व के बारे में बताता है और शालिनी के साथ चला जाता है, जो शिवा के बारे में चिंतित थी। और वह मूल रूप से महेश बाबू ने तमिल में अपना सीधा डेब्यू करने की योजना बनाई थी श्री मंदोटू के डब तमिल संस्करण के बाद, जिसका शीर्षक सेल्वधन था और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। यह मानने के बाद कि स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए बिना दोनों भाषाओं में व्यावसायिक रूप से सफल होने की क्षमता थी, बाबू ने एक तेलुगु तमिल फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में योजना को छोड़ दिया गया और नवंबर 2015 में बाबू ने घोषणा की कि उनकी अगली परियोजना AR मुरुगदास द्वारा निर्देशित एक तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी। यह बाबू की पहली प्रत्यक्ष तमिल शुरुआत, साथ ही मुरुगदास की तेलुगु सिनेमा उद्योग में वापसी, चिरंजीवी अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म स्टालिन 2006 के दशक के बाद थी और संतोष शिवन ने मुरुगदास के साथ तो पक्की 2012 में छायाकार के रूप में काम किया और हैरिस जयराज जिन्होंने मुरुगदास की पिछली फिल्मों गजनी में अरबी और थुपाकी के लिए संगीत दिया। संगीतकार के रूप में बताया गया कि बाबू फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि अन्य रिपोर्टों के दावा किया गया था कि बाबू एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का शीर्षक भी अभिमन्यु होने की अफवाह थी और हालांकि दिसंबर 2016 में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का संभावित शीर्षक सभामी घोषित किया गया, जिसे प्रशंसकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और इसे 18 मार्च 2017 को फिल्म का शीर्षक स्पाइडर बताया गया। मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू में साइन किया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत तक्कदूम में
फाइनल होने के बाद उनकी अनुपलब्धता का मतलब था कि निर्माताओं ने प्रमुख भूमिका के लिए रुकुल प्रीत सिंह से संपर्क किया कि एसजे सूर्या को मुख्य भूमिका में अभिनय करने के बाद पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। नानी 2004 में उन्हें निर्देशित करने के बाद महेश बाबू के साथ उनका दूसरा सहयोग था और मुरुगदास वाली और खुशी फिल्में में एसजे सूर्या के पूर्व सहायक थे। तमिल अभिनेता आरजे बालाजी ने शिव के दोस्त की भूमिका निभाते हुए जनवरी 2017 में फिल्म सायन की और दिसंबर 2016 जुड़वा स्टंट कोरियोग्राफर अनब रीव को अंततः एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म में शामिल किया गया। हालांकि पीटर हेन को भी फिल्म में शामिल किया गया था। आरसी कमलाकनन जिन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन 2017 के लिए दृश्य प्रभावों की देखरेख की थी और तकनीकी दल के हिस्सों के रूप में शामिल किया गया था। कमलाकनन ने दावा किया कि फिल्म में भारी दृश्य प्रभाव और एक रूसी प्रमुख स्टूडियो फिल्म पर काम कर रहा था। शुरू में नयनतारा के फिल्म एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपवाद थी। हालांकि मुरुगदास ने इससे इनकार कर दिया और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी इसे 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई। रकुल प्रीत सिंह अगस्त 2016 में सेट पर शामिल हुई और निर्माताओं ने सिंह और बाबू के बीच रोमांटिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल चेन्नई शेड्यूल खत्म होने के बाद सितंबर 2016 के मध्य में पुणे और बेंगलुरु में हुआ और इसे 21 अक्टूबर 2016 को सिंह को एक्शन एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ में मामूली चोट लगी। हालांकि अभिनेत्री जिसे एक दिन आराम करने की सलाह दी गई थी ने तुरंत शूटिंग फिर से शुरू कर दी और तीसरा शेड्यूल नवंबर 2016 में हैदराबाद में शुरू किया गया था और जिसमें 3 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ था और फिल्मांकन शूटिंग खत्म करने के बाद टीम चौथे शेड्यूल के लिए अहमदाबाद और सूरत रवाना हुई और थोड़े समय के ब्रेक के बाद निर्माताओं ने जनवरी 2017 में मुंबई में शूटिंग फिर से शुरू की जहां बाबू के परिचयात्मक दृश्यों की शूटिंग की गई और मार्च 2017 के दौरान चिरंजीवी ने फिल्म के सेट का दौरा किया। मार्च के अंत और मई की शुरुआत के बीच वियतनाम में अधिक फिल्मांकन हुआ और कुछ एक्शन दृश्यों को स्थानीय स्टंट कलाकारों के साथ वहां फिल्माया गया जैसे रोलर कोस्टर चेज। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 20 अप्रैल 2017 को हैदराबाद में होने की उम्मीद थी। हालांकि शूटिंग 4 मई 2017 को शुरू हुई और कला निर्देशक रूपिन सूचक ने एक स्रोत से खुलासा किया कि फिल्म का 98% हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया था और तेलुगु संस्करण के लिए पृष्ठभूमि को कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से हैदराबाद में बदल दिया गया था। बाबू ने बॉडी और डबल्स का उपयोग किए बिना फिल्म में स्टंट खुद किए। कुछ अधिक गहन दृश्यों में उन्होंने विभिन्न चोटों के बावजूद अपने स्टंट करना जारी रखा जिसके कारण एक फिजियोथेरेपिस्ट को उनके लिए अस्थायी रूप से सेट पर तैनात किया गया और अंततः वह शूटिंग शेड्यूल के बाद एक सप्ताह तक उठ नहीं सके। 16 मई 2017 को एक सूत्र ने दावा किया कि निर्माताओं ने सामान्य चरमोत्कर्ष के बजाय उच्च आवर्तन एक्शन दृश्यों के साथ चरमोत्कर्ष अनुक्रम की योजना बनाई थी और जिसे मूल रूप से हैदराबाद के बीबी नगर में NEMS अस्पताल में शूट किया जाना था और फिल्मांकन 2 जून 2017 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी लेकिन अंतिम कार्यक्रम 13 जून को शुरू किया गया था और जहां मामूली संवाद भाग फिल्माए गए थे जिसकी शूटिंग केवल 4 दिनों तक चली थी। जुलाई 2017 में निर्माताओं ने हैदराबाद में 10 दिनों के लिए एक गीत अनुक्रम फिल्माया। फिल्म का आखिरी गाना 2 अगस्त विदेश में शूट किया जाना था और इसके पूरा होने के बाद मुख्य शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज होगी। उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को 10 अगस्त 2017 तक टाल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को फिर से सितंबर के मध्य और फिर दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने आखिरकार घोषणा की कि फिल्म 27 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए बड़े स्वागत के बाद स्पाइडर को तेलुगु और तमिल में एक साथ रिलीज करने की भी योजना बनाई गई थी और इसी नाम के मलयालम डब संस्करण के साथ भी
फिल्म को 19 सितंबर 2017 को सेंसर औपचारिकताओं के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था, जहां फिल्म यू प्रमाणन और 145 मिनट का रन टाइम मिला था। स्पाइडर को अमेरिका में भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म को देश में 800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार की बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तेलुगु के लिए सबसे बड़ी रिलीज बन गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को अरबी में डब करके रिलीज किया जाएगा और इसे खाड़ी देशों में रिलीज किया जाना था। हैनू ने फिल्म के वियतनामी डबिंग अधिकार खरीदे और इसे वियतनाम में रिलीज किया गया था। फिल्म के तमिलनाडु नेट के अधिकारों को लाइका प्रोडक्शंस ने 18 करोड़ में हासिल किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों को प्रोडक्शन हाउस ने ही सुरक्षित कर लिया था निजाम अधिकारों को छोड़कर, जिसे दिल राजू ने 24 करोड़ में हासिल किया था। विदेशी वितरण अधिकार एटमस एंटरटेनमेंट को 22.5 करोड़ में बेचे गए और सौंपे गए अधिकार 12 करोड़ में बेचे गए और विजाग अधिकार 8.1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने पूर्व में 6 करोड़ और पश्चिम में 4.5 करोड़, कृष्णा में 5.4 करोड़, गुंटूर में 7.2 करोड़ और नेल्लोर में 3.2 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर तेलुगु राज्यों से 70.4 करोड़ फिल्म के कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स को 10.8 करोड़ में बेचे गए, केरल नाट्य अधिकार में 1.3 करोड़ में बेचे गए और शेष भारत के अधिकार 1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने अकेले दुनिया भर में नाट्य बिक्री से 124 करोड़ कमाए। तेलुगु और हिंदी संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार जो 25 करोड़ में बेचे गए, तमिल और मलयालम संस्करण जो 6.5 करोड़ में बेचे गए और ऑडियो अधिकार जो 1.5 करोड़ में बेचे गए सहित फिल्म ने रिलीज से पहले कुल 157 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का पहला पोस्टर शुरू में 29 मार्च 2017 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अंततः इसे 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था। पोस्टर में एक बाप और फटी हुई बाबू की झलक दिखाई दी जिसके हाथ में बंदूक थी। पोस्टर को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए एक आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज और एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शुरुआत में निर्माता ने 31 मई 2017 को फिल्म की पहली झलक जारी करना चाहते थे, जो महेश के पिता अभिनेता कृष्णा के जन्मदिन के साथ मेल खाता था, लेकिन अनुभवी फिल्म निर्माता दसारी नारायण राव के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए इसे 1 जून की आधी रात को टीजर लॉन्च किया गया था और 9 अगस्त 2017 को निर्माताओं ने अभिनेता के जन्मदिन के साथ फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया गया। टीजर ने रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर 8.6 मिलियन व्यूज पार कर ली और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 15 सितंबर 2017 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित प्री रिलीज इवेंट के दौरान जारी किया गया था। ट्रेलर को उत्कृष्ट समीक्षा और इसने कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए। फिल्म की रिलीज से पहले महेश बाबू ने खुलासा किया कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया रोबोट मकड़ी फिल्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। महेश ने यह घोषणा की वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक निराश हो और फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क और संस्करणों को सन टीवी नेटवर्क के लिए उन्हें 30.5 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में हासिल की और फिल्म का तेलुगु संस्करण जी तेलुगु में इसे 14 जनवरी 2018 को संक्रांति के साथ प्रीमियर किया गया था और इसने टीआरपी रेटिंग दर्ज की गई और इसने फिल्म के लिए और फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और इसे 17 जून 2018 को सीधे जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था। और स्पाइडर को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने कलाकारों के अभिनय के लिए और एक्शन दृश्य और निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पटकथा और गति की आलोचना की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6 आलोचकों की 0% समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.5 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि लेखन एक बिंदु के बाद स्पाइडर को पूरी तरह से निराश कर देता और थुपक्की को एक आदमी बचाने की कोशिश करने और एक आदमी को नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में भी थी और इसके विपरीत जो अच्छाई और बुराई के बीच एक रोमांचक खेल होना चाहिए था वह एक ऐसी फिल्म में बदल जाती है जो एक धमाकेदार थ्रिलर
और कुछ भी हो सकने वाली मसाला फिल्म के बीच फैसला नहीं कर पाती। इंडिया टुडे के एस श्रीवत्स ने 5 में से 2 स्टार दिए और इसे संक्षेप में इस प्रकार लिया, स्पाइडर का मूल तेलुगु दर्शकों के लिए लिखा गया, लगता है उनके लिए स्पाइडर एक संतोषजनक स्टार वाहन नहीं है, या शायद स्पाइडर वह नहीं है जो मुरुगदास ने कागज पर कल्पना की थी, क्योंकि कुछ दृश्य कागज पर ही दिखावटी लगते और दूसरे भाग के दृश्य पर विचार करें और आप बेहतर समझेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि स्पाइडर अपनी खामियों के बावजूद एक मनोरंजन के रूप में सामने आता है। फिल्म कैंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने अपनी समीक्षा में लिखा, यह फिल्म एक बहुत ही अच्छी भगवान बनाम दानव की कहानी है जिसमें एक ठोस नायक और एक शानदार खलनायक है। NDTV के सुभाष के झा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि मुरुगदास एक परिचित बुरे आदमी एक अच्छे आदमी की कहानी लेते हैं और इसे रंगों और अनुकूलताओं में एक आकर्षक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल देते हैं और आसन्न मृत्यु के समय के जीवन का सुझाव देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीधर अधिवी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और जिसमें कहा गया कि नायक और खलनायक के बीच संघर्ष एक सनसनीखेज या जासूसी फिल्म के लिए काफ़ी सुरक्षित कथानक लगता है। हालांकि मुरुगदास का लेखन आपको वह रोमांचक या रोमांचक नहीं दे पाता जिसका वादा प्रोमो में किया गया था। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि स्पाइडर की शुरुआती अच्छी होती है लेकिन निर्देशक की कल्पनाशीलता एक उद्देश्यपूर्ण कथानक को हर्षप्रास्त बना देती है। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर फिल्म के बारे में। स्पाइडर फिल्म की बात की जाए, यह 2017 की भारतीय मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे AR मुरुगदास ने लिखा और निर्देशित किया है और NV प्रसाद ने इसका निर्माण किया है। फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें महेश बाबू, SJ श्रिया और रकुलप्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। मुरुगदास ने फिल्म संवाद लिखे जबकि पुरुचूरी बदर्स ने तेलुगु संस्करण लिखा। फिल्म का संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है जिसमें संतोष शिवन ने छायांकन और हरीश जयराज ने संगीत दिया है। इस फिल्म या फिल्म तमिल में ब्रह्मोत्सवम के साथ एक साथ रिलीज के असफल प्रयास के बाद बाबू की तमिल शुरुआत है। मूल रूप से फिल्म का शीर्षक अभिमन्युडू और संभवमी होने की अपवाद थी। इससे पहले यह इसे 18 मार्च 2017 को आधिकारिक शीर्षक स्पाइडर के रूप में अंतिम रूप दिया गया। फिल्म का निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ था और इसके बाद प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआती हुई। शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई, कुछ हिस्सों हैदराबाद और विजाग में और उसके आसपास हुए, जबकि गाने अगस्त 2017 में समाप्त होने से पहले विदेशों में फिल्माए गए थे। स्पाइडर को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम में 27 सितंबर 2017 को और अमेरिका और खाड़ी देशों में 26 सितंबर को रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसने 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। शिवा एक IB अधिकारी जो लोगों की मदद करने के लिए उनके कॉल और संदेशों पर जासूसी करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करता है और 16 मार्च की रात को शिवा चार्ली की मैं अपनी सहेली के साथ US स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी परीक्षा में 96% से 98% लाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है और ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। शिवा उसका पीछा करता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ने लगते हैं, लेकिन शिवा को अपनी नौकरी की वजह से अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है क्योंकि वह अपने घर में अकेली और डरी हुई है क्योंकि उसके घर में बिजली गुल गई है और जबकि उसकी गली में बाकी सभी के पास बिजली
लिए चिंतित होकर शिव अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को उसकी मदद के लिए लड़की के पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन समाचार की सुर्खियों में दो महिलाओं की भीषण मौत की खबर शिवा अपराध स्थल का दौरा करता है और अपराध बोध के कारण आईबी के से इस्तीफा दे देता है, लेकिन उसके पिता उसे हत्यारे को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिवा लड़की की चेट और ठिकानों की जांच करने निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका कैफे तक पीछा करता रहा। फेसबुक के जरिए शिवा एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होता है जो पीछा करने वाले को जानता था और प्रदान की गई थी जानकारी के साथ शिवा उस गाँव की यात्रा करता है जहाँ पीछा करने वाले बड़ा हुआ था और अपनी खोज शुरू करता। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस आदमी की अतीत के बारे में पता चलता है और सुदालाई और अपनी माँ पिता और छोटे भाई के साथ कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए मृतकों के अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के कारण सुदालाई को एसपीडी से पीड़ित होना पड़ता है, जहां वह पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी देखने की असामान्य इच्छा विकसित करता है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देखता है और दूसरे गांव वालों को यह बात बताता है कि उग्र भीड़ ने सुदालाई के घर को जलाने का फैसला किया, जिससे उसके माता पिता की मौत हो गई। क्रोधित होकर सुदालाई अपने छोटे भाई के साथ अपनी हत्याओं की होड़ जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। वह वर्तमान में सुदालाई को पकड़ता और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सुदालाई का भाई। सुदालाई अपने चेहरे को ढकने वाले नकाब के साथ लाइव टेलीविजन पर जाता है और खुलासा करता है कि उसने 23 लोगों को मार डाला है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है और नागरिकों को उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ने की धमकी देता है। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने सुदालाई के भाई को मार देता है, जिसमें एक क्रोधित सुदालाई भी शामिल है जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान सुदालाई शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी माँ उसे फोन करती और बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं। जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था कि अपनी टीम की मदद से शिवा अपने परिवार को बचाने में सक्षम होता है। शिवा सुदालाई का अलग लक्ष्य बन जाता है और वह घर लौटते समय शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवा एक ट्रक पर चढ़ जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सुदालाई की तलाश फिर से शुरू करता है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मार दी थी। वह अनुमान लगाता है कि सुदालाई ने खुद को एक घर में छिपा लिया जहां वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया। स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से शिवा सुदालाई को ढूंढता और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन सुदालाई उसे बताता है कि उसने पहले इस शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा बड़ी चट्टान को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि सुदालाई पुलिस की हिरासत से भाग जाता है और एक अस्पताल को नष्ट करने की अपनी योजना को जारी रखता है। सालनी की लक्षित अस्पताल के बारे में पता चलता है, लेकिन गलतफहमी के कारण वह शिवा को बताने से मना कर देती है। शिवा उसकी टैक्सी का पता लगाता है, जहां वह उसके अस्पताल के बारे में बताती है। शिवा अस्पताल पहुंचता है और अंदर के लोगों को निकालना शुरू करता है, जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते कुछ मरीजों को बचाने में असमर्थ होता है और जिससे उसका दिल टूट जाता है। सुदालाई शिवा के दुख को देखता है और खुश हो जाता है। शिवा सुदालाई को देखता है और वो क्रोधित हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें शिवा सुदालाई को परास्त कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद शिवा मीडिया को मानवता दिखाने के लिए महत्व के बारे में बताता है और शालिनी के साथ चला जाता है, जो शिवा के बारे में चिंतित थी। और वह मूल रूप से महेश बाबू ने तमिल में अपना सीधा डेब्यू करने की योजना बनाई थी श्री मंदोटू के डब तमिल संस्करण के बाद, जिसका शीर्षक सेल्वधन था और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। यह मानने के बाद कि स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए बिना दोनों भाषाओं में व्यावसायिक रूप से सफल होने की क्षमता थी, बाबू ने एक
तेलुगु तमिल फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, हालांकि बाद में योजना को छोड़ दिया गया और नवंबर 2015 में बाबू ने घोषणा की कि उनकी अगली परियोजना एआर मुरुगदास द्वारा निर्देशित एक तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी। यह बाबू की पहली प्रत्यक्ष तमिल शुरुआत, साथ ही मुरुगदास की तेलुगु सिनेमा उद्योग में वापसी, चिरंजीवी अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म स्टालिन 2006 के दशक के बाद थी और संतोष शिवन ने मुरुगदास के साथ तुपक्की 2012 में छायाकार के रूप में काम किया और हैरिस जयराज जिन्होंने मुरुगदास की पिछली फिल्मों गजनी में अरबी और थुपक्की के लिए संगीत दिया। संगीतकार के रूप में बताया गया कि बाबू फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, हालांकि अन्य रिपोर्टों के दावा किया गया था कि बाबू एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का शीर्षक भी अभिमन्यु होने की अफवाह थी और हालांकि दिसंबर 2016 में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का संभावित शीर्षक सभम्मी घोषित किया गया, जिसे प्रशंसकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और इसे 18 मार्च 2017 को फिल्म का शीर्षक स्पाइडर बताया गया। मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू में साइन किया गया था, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत तकदूम में फाइनल होने के बाद उनकी अनुपलब्धता का मतलब था कि निर्माताओं ने प्रमुख भूमिका के लिए रुकुल प्रीत सिंह से संपर्क किया गया। एसजे सूर्या को मुख्य भूमिका में अभिनय करने के बाद पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। नानी 2004 में उन्हें निर्देशित करने के बाद महेश बाबू के साथ उनका दूसरा सहयोग था और मुरुगदास वाली और खुशी फिल्में में एसजे सूर्या के पूर्व सहायक थे। तमिल अभिनेता आरजे बालाजी ने शिव के दोस्त की भूमिका निभाते हुए जनवरी 2017 में फिल्म साइन की और दिसंबर 2016 जुड़वा स्टंट कोरियोग्राफर अनब रीव को अंततः एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म में शामिल किया गया, हालांकि पीटर हैन को भी फिल्म में शामिल किया गया था। आरसी कमलाकनन जिन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन 2017 के लिए दृश्य प्रभावों की देखरेख की थी और तकनीकी दल के हिस्सों के रूप में शामिल किया गया था। कमलाकनन ने दावा किया कि फिल्म में भारी दृश्य प्रभाव और एक रूसी प्रमुख स्टूडियो फिल्म पर काम कर रहा था। शुरू में नयनतारा के फिल्म एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की अफवाह थी, हालांकि मुरुगदास ने इससे इनकार कर दिया और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी इसे 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई। रकुल प्रीत सिंह अगस्त 2016 में सेट पर शामिल हुई और निर्माताओं ने सिंह और बाबू के बीच रोमांटिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल चेन्नई शेड्यूल खत्म होने के बाद सितंबर 2016 के मध्य में पुणे और बेंगलुरु में हुआ और इसे 21 अक्टूबर 2016 को सिंह को एक्शन एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ में मामूली चोट लगी। हालांकि अभिनेत्री जिसे एक दिन आराम करने की सलाह दी गई थी ने तुरंत शूटिंग फिर से शुरू कर दी और तीसरा शेड्यूल नवंबर 2016 में हैदराबाद में शुरू किया गया था, जिसमें 3 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ था और फिल्मांकन शूटिंग खत्म करने के बाद टीम चौथे शेड्यूल के लिए अहमदाबाद और सूरत रवाना हुई और थोड़े समय के ब्रेक के बाद निर्माताओं ने जनवरी 2017 में मुंबई में शूटिंग फिर से शुरू की, जहां बाबू के परिचयात्मक दृश्यों की शूटिंग की गई और मार्च 2017 के दौरान चिरंजीवी ने फिल्म के सेट का दौरा किया। मार्च के अंत और मई की शुरुआत के बीच वियतनाम में अधिक फिल्मांकन हुआ और कुछ एक्शन दृश्यों को स्थानीय स्टंट कलाकारों के साथ वहां फिल्माया गया, जैसे रोलर कोस्टर चेज। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 20 अप्रैल 2017 को हैदराबाद में होने की उम्मीद थी, हालांकि शूटिंग 4 मई 2017 को शुरू हुई और कला निर्देशक रूपिन सूचक ने एक स्रोत से खुलासा किया कि फिल्म का 98% हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया था और तेलुगु संस्करण के लिए पृष्ठभूमि को कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से हैदराबाद में बदल दिया गया था। बाबू ने बॉडी और डबल्स का उपयोग किए बिना फिल्म में स्टंट खुद किए। कुछ अधिक गहन दृश्यों में उन्होंने विभिन्न चोटों के बावजूद अपने स्टंट करना जारी रखा, जिसके कारण एक फिजियोथेरेपिस्ट को उनके लिए अस्थायी रूप से सेट पर तैनात किया गया और अंततः वह शूटिंग शेड्यूल के बाद 1 सप्ताह तक उठ नहीं सके।
16 मई 2017 को एक सूत्र ने दावा किया कि निर्माताओं ने सामान्य चरम उत्कर्ष के बजाय उच्च आवर्तन एक्शन दृश्यों के साथ चरम उत्कर्ष अनुक्रम की योजना बनाई थी और जिसे मूल रूप से हैदराबाद के बीबी नगर में NEMS अस्पताल में शूट किया जाना था और फिल्मांकन 2 जून 2017 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अंतिम कार्यक्रम 13 जून को शुरू किया गया था और जहां मामूली संवाद भाग फिल्माए गए थे जिसकी शूटिंग केवल 4 दिनों तक चली थी। जुलाई 2017 में निर्माताओं ने हैदराबाद में 10 दिनों के लिए एक गीत अनुक्रम फिल्माया। फिल्म का आखिरी गाना 2 अगस्त विदेश में शूट किया जाना था और इसके पूरा होने के बाद मुख्य शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज होगी। उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को 10 अगस्त 2017 तक टाल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को फिर से सितंबर के मध्य और फिर दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने आखिरकार घोषणा की कि फिल्म 27 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए बड़े स्वागत के बाद स्पाइडर को तेलुगु और तमिल में एक साथ रिलीज करने की भी योजना बनाई गई थी और इसी नाम के मलयालम डब संस्करण के साथ भी फिल्म को 19 सितंबर 2017 को सेंसर औपचारिकताओं के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था, जहां फिल्म यू प्रमाणन और 145 मिनट का रन टाइम मिला था। स्पाइडर को अमेरिका में भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म को देश में 800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस प्रकार की यह बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तेलुगु के लिए सबसे बड़ी रिलीज बन गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को अरबी में डब करके रिलीज किया जाएगा और इसे खाड़ी देशों में रिलीज किया जाना था। हैनी ने फिल्म के वियतनामी डबिंग अधिकार खरीदे और इसे वियतनाम में रिलीज किया गया था। फिल्म के तमिलनाडु नेट के अधिकारों को लाइका प्रोडक्शंस ने 18 करोड़ में हासिल किया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों को प्रोडक्शन हाउस ने ही सुरक्षित कर लिया था निजाम अधिकारों को छोड़कर, जिसे दिल राजू ने 24 करोड़ में हासिल किया था। विदेशी वितरण अधिकार एटमस एंटरटेनमेंट को 22.5 करोड़ में बेचे गए और सौंपे गए अधिकार 12 करोड़ में बेचे गए और विजाग अधिकार 8.1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने पूर्व में 6 करोड़ और पश्चिम में 4.5 करोड़, कृष्णा में 5.4 करोड़, गुंटूर में 7.2 करोड़ और नेल्लोर में 3.2 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर तेलुगु राज्यों से 70.4 करोड़। फिल्म के कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स को 10.8 करोड़ में बेचे गए, केरल नाट्य अधिकार में 1.3 करोड़ में बेचे गए और शेष भारत के अधिकार 1 करोड़ में बेचे गए। फिल्म ने अकेले दुनिया भर में नाटक बिक्री से 124 करोड़ कमाए। तेलुगु और हिंदी संस्करणों के सैटेलाइट अधिकार जो 25 करोड़ में बेचे गए, तमिल और मलयालम संस्करण जो 6.5 करोड़ में बेचे गए और ऑडियो अधिकार जो 1.5 करोड़ में बेचे गए सहित फिल्म ने रिलीज से पहले कुल 157 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का पहला पोस्टर शुरू में 29 मार्च 2017 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अंततः इसे 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था। पोस्टर में एक बाप और फटी हुई बाबू की झलक दिखाई दी जिसके हाथ में बंदूक थी। पोस्टर को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए एक आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज और एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शुरुआत में निर्माता ने 31 मई 2017 को फिल्म की पहली झलक जारी करना चाहते थे जो महेश के पिता अभिनेता कृष्णा के जन्मदिन के साथ मेल खाता था, लेकिन अनुभवी फिल्म निर्माता दसारी नारायण राव के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए इसे 1 जून की आधी रात को टीजर लॉन्च किया गया था। 9 अगस्त 2017 को निर्माताओं ने अभिनेता के जन्मदिन के साथ फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया गया। टीजर ने रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर 8.6 मिलियन व्यूज पार कर ली और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 15 सितंबर 2017 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित प्री रिलीज इवेंट के दौरान जारी किया गया था। ट्रेलर को उत्कृष्ट समीक्षा और इसने कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए। फिल्म की रिलीज से पहले महेश बाबू ने खुलासा किया कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया रोबोट मकड़ी फिल्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि
इसकी कोई भूमिका नहीं है। महेश ने यह घोषणा की कि वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक निराश हो और फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क और संस्करणों को सन टीवी नेटवर्क के लिए उन्हें 30.5 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में हासिल की और फिल्म का तेलुगु संस्करण जी तेलुगु में इसे 14 जनवरी 2018 को संक्रांति के साथ प्रीमियर किया गया था और इसने टीआरपी रेटिंग दर्ज की गई और इसने फिल्म के लिए और फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और इसे 17 जून 2018 को सीधे जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था और स्पाइडर को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने कलाकारों के अभिनय के लिए और एक्शन दृश्य और निर्देशन की प्रशंसा की लेकिन इसकी पटकथा और गति की आलोचना की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6 आलोचकों की 0% समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.5 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि लेखन एक बिंदु के बाद स्पाइडर को पूरी तरह से निराश कर देता है और थुपक्की को एक आदमी बचाने की कोशिश करने और एक आदमी को नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में भी थी और इसके विपरीत जो अच्छाई और बुराई के बीच एक रोमांचक खेल होना चाहिए था वह एक ऐसी फिल्म में बदल जाती है जो एक धमाकेदार थ्रिलर और कुछ भी हो सकने वाली मसाला फिल्म के बीच फैसला नहीं कर पाती। इंडिया टुडे के एस श्रीवत्स ने 5 में से 2 स्टार दिए और इसे संक्षेप में इस प्रकार लिया। स्पाइडर का मूल तेलुगु दर्शकों के लिए लिखा गया लगता है उनके लिए स्पाइडर एक संतोषजनक स्टार वाहन नहीं है या शायद स्पाइडर वह नहीं है जो मुरुगदास ने कागज पर कल्पना की थी क्योंकि कुछ दृश्य कागज पर ही दिखावटी लगते और दूसरे भाग के दृश्य पर विचार करें और आप बेहतर समझेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि स्पाइडर अपनी खामियों के बावजूद एक मनोरंजन के रूप में सामने आता है। फिल्म कैंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने अपनी समीक्षा में लिखा यह फिल्म एक बहुत ही अच्छी भगवान बनाम दानव की कहानी है जिसमें एक ठोस नायक और एक शानदार खलनायक है। NDTV के सुभाष के झा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि मुरुगदास एक परिचित बुरे आदमी एक अच्छे आदमी की कहानी लेते हैं और इसे रंगों और अनुकूलताओं में एक आकर्षक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल देते हैं और आसन्न मृत्यु के समय के जीवन का सुझाव देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीधर अधिवी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और जिसमें कहा गया कि नायक और खलनायक के बीच संघर्ष एक सनसनीखेज या जासूसी फिल्म के लिए काफ़ी सुरक्षित कथानक लगता है। हालांकि मुरुगदास का लेखन आपको वह रोमांचक या रोमांचक नहीं दे पाता जिसका वादा प्रोमो में किया गया था। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि स्पाइडर की शुरुआती अच्छी होती है लेकिन निर्देशक की कल्पनाशीलता एक उद्देश्यपूर्ण कथानक को हर्षप्रास्त बना देती है और